Hello everyone, I welcome you all once again to this Organon series of ours. This is practically the third session, and we would like to let everybody join in, and then I will send a request to our very dear Naveen boss sir. You had a great week. Last week's session has received a very good response. Naveen boss has joined. Naveen boss. Pranam boss. Good night. Khush ho. कैसे हो सर आप? बस बढ़िया, आप कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ बॉस. आप सबको, आपको सुनने के लिए सब लोग जल्दी से ज्वाइन हो रहे हैं. एंड मैं जस्ट सबको वही बता रहा था कि पिछला सेशन जो हुआ वो आलोक बॉस का बहुत अच्छा, सबने सुना, सबको रिस्पांस मिला, सबको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला. और ऐसा ही और एक नॉलेजेबल सेशन आज होने जा रहा है, जो सर ने सर के कहने पे हमने ये टॉपिक लिया है कि हैनमैन्स ऑर्गेनॉन एंड क्रॉनिक डिजीजेस. तो आई होप आप सब लोगों के पास आपका सिक्स एडिशन ऑर्गेनॉन होगा, या फिफ्थ और सिक्स वाला कंपैरिजन है तो और भी अच्छी बात है, और क्रॉनिक डिजीजेस भी आप साथ में, ताकि सर जब भी कुछ बताएं तो हम उसको एज अ रेफरेंस वहां पे मार्क कर सके. तो आई वेलकम यू बॉस. थैंक यू अभिषेक. और आप बहुत अच्छा ये सेशंस कर रहे हो. लास्ट वीक मैं सुना था डॉक्टर आलोक का, बट सिंस आई वाज इन चेंबर तो कुछ ही देर सुन पाया, उसके बाद तो फिर बिजी हो गया. नहीं, काफी देर चला और काफी लोगों को, काफी स्टूडेंट्स का अच्छा, मतलब अच्छा सीख रहे हैं. बस मॉरल ऑफ द स्टोरी कितना भी हम बोलें. हाँ, ये जो ऑर्गन, तो आज ऑर्गन सीरीज जो है, हाँ, ये बहुत ही अच्छा चल रहा है. डॉक्टर आशुतोष का भी बहुत अच्छा था, उसके बाद डॉक्टर अलोक का भी बहुत अच्छा था. तो होप ये कंटिन्यू करें अच्छा, और यस बॉस, कुछ सीखने के लिए मिले सबको. यस बॉस. आप और आपके कलीग सारे जो इतने नॉलेजेबल लोग हैं, हम वी आर वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने ये अपना नॉलेज शेयर करने के लिए अग्री किया. आप लोग बहुत बिजी होते हैं, आपको इतना टाइम नहीं होता है, बट उसमें से एक घंटा निकाल कर आपने इतना हमें वक्त दिया है, तो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू. थैंक यू. तो आज का बॉस के सेशन शुरू करते हैं बॉस. यस बॉस. ओके. तो सबसे पहले, स्टार्ट करने से पहले, जस्ट एक कॉमन थिंग डिस्कस करते हैं. यस बॉस. ऑर्गेनॉन एज ए सब्जेक्ट स्टूडेंट लाइफ से आपको कैसा लगता था? थोड़ा डिफिकल्टी था, और हम तो मतलब ड्यूरिंग स्टूडेंट लाइफ जब हम पास हो गए तो हम लोग को ये लगा कि उसके इम्पोर्टेंस एक्चुअली पास होने के बाद समझ में आता है. जब इनिशियली जो आशुतोष बॉस का सेशन जो हुआ, उसके वक्त बहुत सारी चीजें हमको ऐसा लगा कि अगर हमको हमारे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पता चल जाती तो शायद चीजें और होती. बेसिकली हर स्टूडेंट के लिए, मैं यहाँ पे स्टूडेंट के तरीके से आंसर दे रहा हूँ, कि हर स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही ड्राई सब्जेक्ट हो जाता है. हमको लगता है बस इसमें कॉन्सेप्ट को बस रट लिया जाए, उसको आंसर हम लोग लिख दें, और फिर शायद उसका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो बहुत लेटर स्टेज में आता है. स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे ये टफ सब्जेक्ट है, बट प्रैक्टिशनर तो खोलते ही नहीं है. हाँ, ऑर्गेनॉन. यस, प्रैक्टिशनर्स तो रेयरली कोई ऑर्गेनॉन खोलता है. और साथ में जो अगर क्रॉनिक डिजीज है, तो एवरीबडी टॉक्स अबाउट मायाज्म, बट हैनिमैन के क्रॉनिक डिजीज पे बहुत कम बात होती है. बहुत सीरियसली किसने क्या किया है, किसने कैसे एडवांस किया है, ये पढ़ना जरूरी है, बट हैनिमैन ने क्या बोला है, बेसिक आइडिया ये दिमाग में जरूर रखना चाहिए. मेरा जो अप्रोच है, मैं स्टूडेंट्स को या किसी से भी शेयर करता हूँ, तो फ्रेंड्स हो, स्टूडेंट्स हो, कोई होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हो, तो मैं यही बोलता हूँ कि ऑर्गेनॉन ऐसा कोई बुक नहीं है जो थ्योरेटिकली लिखा गया हो.
या हैनिमन्स की जो क्रॉनिक डिजीज है, दैट इज नॉट ऑल्सो ए बुक विच हैज बिन रिटन थियोरेटिकली. ये इसलिए लिखा गया दैट इन प्रैक्टिस यू विल फेस डिफरेंट प्रॉब्लम्स. इन प्रॉब्लम्स का क्या सोल्यूशन होना चाहिए? जैसे आप सपोज करो आपको कोई केस में आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे? सही बात. आप अपने सीनियर के पास रिफर करोगे senior या अपने सीनियर से पूछोगे, सीनियर से पूछोगे, ठीक है, आप मास्टर सर से पूछोगे या रंजन से पूछोगे, ऐसे ही तो अगर आपको मौका मिले कि इस सिचुएशन पे हैनिमन क्या बोलते थे, तो क्या आप जानने की कोशिश नहीं करोगे कि सिचुएशन पे हैनिमन ने क्या बोला? आप करो मत करो, आप करो मत करो किसी की बात. ऐसा नहीं है कि मेरे सर ने जो बोल दिया मैं वही करूंगा, करूंगा तो मैं अपने मन से, बट सुन तो लूं सर ने क्या कहा है. तो सेम यही चीज है कि ऑर्गेनॉन एक ऐसी बुक है जिसमें हैनिमन ने डिफरेंट प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस दिए. तो अगर हम ऑर्गेनॉन को इस एंगल से पढ़े तो ऑर्गेनॉन काफी इजी होगा पढ़ने के लिए, काफी इजी होगा. जैसे जैसे सिंपली लेट्स बिगिन कि एक केस आपके पास आया, सिंपली एक केस आया आपके पास आपसे होम्योपैथिक कंसल्टेशन लेने, तो व्हाट विल बी अवर अप्रोच, कैसे शुरू करेंगे उसको? हिस्ट्री टेकिंग से शुरू करेंगे. हिस्ट्री टेकिंग करना, ओके. नेक्स्ट, उसके बाद उसके बाद उसका प्रोग्नोसिस, मतलब क्या केस, क्या मतलब प्रोग्नोसिस ऑफ द डिजीज देखेंगे, एंड देन फिर उसको अकॉर्डिंगली प्रिस्क्राइब करेंगे मेडिसिन. ओके, ये बेसिक फंडामेंटल आइडिया होता है. अगर इसी को आप ऐसे ना करके सिस्टमेटिक अप्रोच में कर दें कि लेट्स सी एक केस आया मेरे पास, सबसे पहले सिम्टम्स जो है मैंने ले लिया, बेसिक जो केस टेकिंग सबका वैसे ही है, केस टेकिंग मैंने ले लिया. अब केस टेकिंग लेने के बाद आप सोचिए कि ये कौन सा केस है हैनिमन के हिसाब से, वेदर इट इज एक्यूट केस और क्रॉनिक केस. सबसे पहले ये क्लासिफाई करिए, एक्यूट है क्रॉनिक है. देन एक्यूट अगर है सपोज, तो किस तरह का एक्यूट है, वेदर इट इज इंडिविजुअल एक्यूट डिजीज, वेदर इट इज स्पोरैडिक एक्यूट डिजीज, और वेदर इट इज एपिडेमिक एक्यूट डिजीज. ठीक है, तो एप्रोजोम जैसे 73 में आप रिफर करेंगे तो तीन तरह का एक्यूट डिजीज बताया गया. सबका ट्रीटमेंट एक जैसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा ट्रीटमेंट है. ट्रीटमेंट में सबका प्रोग्नोसिस अब ऐसा होगा तो आप क्लियर हो पाएंगे. थर्ड, अगर सपोज करिए कि एक्यूट डिजीज नहीं है, ये क्रॉनिक डिजीज है, तो क्रॉनिक डिजीज में क्या ये आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज है विच इज गिवन इन 74 to 76, या ये इनअप्रोप्रिएटली नेम्ड क्रॉनिक डिजीज है जहां पे मुझे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, या ये ट्रू नेचुरल क्रॉनिक डिजीज है, उसमें भी ये सिफिलिटिक है या सिफिलिस है या सोरा है या साइकोसिस है, तो ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली सब कुछ चेंज होगा. तो बेसिकली ऑर्गेनॉन क्या है, आपका प्रोटोकॉल्स डिवाइड कर दे रहा है. ठीक है, आप अगर इस अप्रोच से जाएंगे, नहीं तो एज ए फिजिशियन हर समय रहते कि कुछ भी केस आए एक मेडिसिन दे दे बस, फिर देखेंगे क्या होता है. बट सब केस में तो मेडिसिन नहीं देना है, हर केस में तो मेडिसिन नहीं देना है. आपको एक इनअप्रोप्रिएटली नेम्ड क्रॉनिक डिजीज में मेडिसिन नहीं देना है. जैसे एक एग्जांपल लेते हैं डॉक्टर केंट का. केंट 1896 में प्रैक्टिस कर रहे थे, उनके पास एक होम्योपैथिक स्टूडेंट आई, लेडी, ठीक है, वो आई, उनका नाम था क्लारा लुइस. वो केंट को दिखाई, अपना सिम्टम्स बताना शुरू करी, बताना शुरू करी, बताते रही बताते रही बताते रही, किंड सुनते रहे काफी देर तक. पेशेंट्स नोट करने के बाद किंड ने उनसे पूछा कि हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टेकन लैकेसिस. किंड ने कोई दवाई नहीं दी, पूछा उनसे हाउ मेनी टाइम्स यू हैव टेकन लैकेसिस. सी रिप्लाइड दैट मल्टीपल टाइम्स सी हैव बीन given lattice is very high potency, CM, MM, DM, 50M, like that, multiple times. Kent ने उनको कहा, you are just suffering from lattice high potency poisoning. And Kent, just what is the treatment for this type of condition?
Hanuman in aprosum 76, if you open aprosum 76, Hanuman has written in italic, must be remedied by the vital force himself. ठीक है, इसके बाद और ऑथर्स आए, उन्होंने कहा कि आप एंटीडोट वगैरह दे सकते हैं, बट हैनिमन का कहना है कि पहले इसको पास होने दो, वेट करो, प्लेसिबो दो और वेट करते रहो, मस्ट इट मस्ट बी रेमेडाइड बाय द वाइटल फोर्स, रेमेडाइड बाय द वाइटल फोर्स, एप्रोप्रिएट एड शुड बी गिवन फॉर द क्रॉनिक मायोसम लर्किंग बिहाइंड। यस, केन ने सिंपली ये किया कि उसको शायद कुछ दिन बिना मेडिसिन के रखा और जरूरत पड़ा तो कुछ लैकिसिस के एंटीडोट्स दिए, एंड शी वाज क्योर्ड। शी वाज सो मच इम्प्रेस्ड दैट शी प्रपोज्ड केंट एंड गॉट मैरिड, एंड दैट वाज केंट्स थर्ड मैरिज। तो अच्छी प्रैक्टिस अगर होम्योपैथ करते हैं तो सेकंड थर्ड मैरिज का भी ऑप्शन रहता है। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दिस जोक, मैंने ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि व्हाट वाज हिज अप्रोच। जस्ट मेडिसिन दे देना है केंट, जरूरी नहीं क्या हर बार। हाँ, हमारे यहाँ एक कहा जाता है प्रैक्टिस में कलकत्ता में कि इफ यू गेट ए पेशेंट फ्रॉम टॉप टू बॉटम सिम्टम्स ऑफ पल्सेटिला, देन व्हाट यू विल गिव? पल्सेटिला? नो, यू विल डू द सेम mistake which other homeopaths have done in case of Haan, yeah, yeah, already patient has already been poisoned with pulsatilla, that's why she is giving all the symptoms of pulsatilla. Of pulsatilla, all the symptoms kabhi koi nahi dega, ज्यादातर सिम्टम सही बात, थोड़ा थोड़ा सिम्टम आएगा आपको भी केस में, जितना पल्सेटिला का सिम्टम है 8-10-15 मैक्सिमम, ऐसा नहीं है कि 40-50-100 सिम्टम पल्सेटिला की सब आ रहे हैं, दैट मींस पेशेंट हैव बीन पॉइजन्ड विद पल्सेटिला। तो ये होता है तभी व्हेन यू हैव दिस टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन कि यहाँ पे मेडिसिन नहीं देना है, यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये कहाँ से, ये ऑर्गन पढ़ते हुए जब आप डिजीज को क्लासिफाई करेंगे तो समझ में आएगा। और एक दो एग्जाम्पल लेते हैं इसी का ही, फिर आगे चलते हैं। हैनिमन का एक फ्रेंड था, यू ऑल नो दैट केस, he was having some symptoms, Hanuman observe, and then Hanuman told that you are not suffering from any disease by seeing the symptoms. Hanuman told, okay, I will come to your home, and he went. He was an artist. What he was doing, he was just taking the brush, moistening and that ink tongue with the saliva, and then painting, and that was how Hanuman got his sepia, cuttlefish. अगर हैनिमन ने वहां दवाई देना शुरू कर देते तो ही वुड हैव नेवर रीच्ड टू सीपिया। आपको आपको जब भी कोई डिजीज आएगा यू शुड बी क्लियर कि इस डिजीज का हैनिमन क्लासिफिकेशन में ये कहां जा रहा है, उसके बाद इस डिजीज का ट्रीटमेंट क्या है, दैट इज अगेन बिकम इम्पोर्टेंट। ठीक है, सेम एक और ऐसे ही हैनिमन के साथ एक और केस हुआ था कि एक पेशेंट आया, उन्होंने ऐसा सिम्टम्स बताया, एंड हैनिमन सेड कि आप जाके देखो घर पे, आपके ड्रायर में ये दवाई होगा जो आप खा रहे हो। He was sure कि ऐसा कोई दवाई नहीं है, but later he went home, checked and found that medicine. So many times what we are prescribing for is just not at all a disease, but these are the effects of the medicine which needs to be passed off. And this understanding you will get when artificial chronic disease, lots of conditions हमारे अगल बगल घूम रहे, but we are going on prescribing for everything. Okay, prescribe करना है, they may need an antidote, they may need a autopathic remedy, ऐसा बोल रहे, but you should be clear for what you are prescribing and what is the original disease. Okay, let's take move to another case. एक doctor थे, इसका नाम था डॉक्टर एजीडी, कार्ल जूलियस एजीडी। एजीडी वाज अ वेरी फेमस फिजिशियन इन द टाइम ऑफ हैनिमन। ओके, ही वाज अर्लियर एलोपैथ। ओके, ही वाज गोइंग विद अ कार्ट एंड ही फेल डाउन फ्रॉम द कार्ट, ही गॉट सीवियर इंजरी इन द राइट शोल्डर, हिज आर्म्स। ओके, आफ्टर गेटिंग दिस इंजरी he was treated with bloodletting and some antiphlogistic treatment, which means anti-inflammatory remedies he was given.
विद दिस ट्रीटमेंट देर वॉज नो इम्प्रूवमेंट, एट फर्स्ट स्लाइट इम्प्रूवमेंट, देन नो इम्प्रूवमेंट, एंड ग्रेजुअली द कंडीशन गो ऑन गेटिंग वर्स. वन ईयर पास्ट, एक साल हो गया वो इंजुरी को, एंड स्टिल हिज पेन, स्वेलिंग एंड एवरीथिंग इज गोइंग वर्स एंड वर्स. देन क्या किया गया कि उस समय का एलोपैथिक ट्रीटमेंट था कि इश्यूज लेके, सेटॉन्स लेके कुछ अल्सर बना देते थे वहां पे, तो वो सब भी किया गया कि वहां पे शोल्डर के आसपास अल्सर बनाया गया. तो जब तक अल्सर था तब तक डिजीज कम था, जैसे ही अल्सर हील होना शुरू हुआ फिर से पेन, पैरालिटिक फीलिंग और हेवीनेस सब कुछ आ गया वापिस. ऐसे करते करते लगभग 1.5 साल होने वाला, नो इम्प्रूवमेंट. वो जब जिस दिन से वो कार्ट से गिरे हैं, देयर इज नो इम्प्रूवमेंट. अब उनको वो भी जितने बड़े बड़े डॉक्टर ने सबको दिखा लिया, देन ही डिसाइडेड टू कंसल्ट हैनीमैन. ही रोट ऑल हिज प्रॉब्लम टू हैनीमैन इन ए लेटर. हैनीमैन हैज एट दैट टाइम नॉट सीन एजीडी, नॉट सीन एनी पेशेंट. ओके, एजीडी ने जस्ट हैनीमैन को एक चिट्ठी डाला कि ऐसा 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 मेरा प्रॉब्लम है. हैनीमैन ने क्या कहा? हैनीमैन ने सीधा ट्रीटमेंट शुरू नहीं किया. हैनीमैन सेड दैट यू कैन नॉट ब्लेम द कॉज फॉलिंग टू योर डिजीज, देयर मस्ट बी ए स्किन सप्रेशन और एनी इरेप्टिव कंडीशन दैट यू हैव सप्रेस्ड ड्यू टू रिजल्ट ऑफ विच दिस इज हैपनिंग. उसको हुआ क्या था? ही वाज इंजर्ड गिर के. हैनीमैन क्या बोल रहे हैं? एक इंजुरी से इतना कुछ नहीं हो सकता. एंड ही सेड दैट देयर मस्ट बी ईच डिजीज यू हैव सप्रेस्ड और देयर मस्ट बी हैविंग सम इरेप्टिव डिजीज यू हैव सप्रेस्ड. एजीडी तो पागल हो गया सुनकर, क्योंकि जस्ट वो इंजुरी के 2 महीना पहले एजीडी वाज डूइंग ए सर्जरी. अच्छा, उसमें एक ईच इन्फेक्टेड पेशेंट था, तो उससे वो क्या हुआ कि उसके पूरे हाथ में वो एब्सेस हो गया, बहुत सारा मल्टीपल एब्सेस हो गया. फिर उसने कॉस्टिक ट्रीटमेंट वीटमेंट किया, जैसे तैसे करके उसको सप्रेस्ट किया. लगभग उसके 2 महीने बाद एक एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद से 1.5 साल तक ये प्रॉब्लम. अच्छा, हैनीमैन ने उसको दिया कुछ एंटीसोरिक मेडिसिन, लगभग हर 5 दिन में एक बार खाने के लिए 8 या 9 डोज. ओके, उसमें सब मेडिसिन होगा कि नहीं वो भी नहीं पता, बट प्लासिबो भी हो सकता है बिकॉज ही ऑफन इंटरमिंगल्ड विद प्लासिबो. एंड वो 8 या 9 डोज खा के उसका ठीक हो गया. अब यहाँ पे ये फैक्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कैसे हैनीमैन को पता चला कि वहां पे पीछे क्रॉनिक कुछ सप्रेशन था. सप्रेशन, ठीक है. एंड ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो इसके लिए हैनीमैन ने एक बहुत अच्छा एप्रोजोम और फुटनोट में बताया, स्पेशली 206 एप्रोजोम खोलिया. फर्स्ट लाइन रीड करिए. बिफोर कमेंसिंग द ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक डिजीज इट इज नेसेसरी टू मेक द मोस्ट केयरफुल इन्वेस्टिगेशन. इन्वेस्टिगेशन, बस वहां से एक फुटनोट है नीचे. यस, वहां से फुटनोट है नीचे. हां, वो फुटनोट पढ़िए. इन इन्वेस्टिगेशंस ऑफ दिस नेचर वी मस्ट नॉट अलाउ आवरसेल्व्स टू बी डिसीव्ड बाय द धोखा मत खाइएगा. धोखा मत खाइए. धोखा मत खाइए किससे? पेशेंट बोलेगा या पेशेंट पार्टी बोलेगा? हां, असर्शंस ऑफ patient or their friends who frequently assign as the cause of the chronic. Even chronic disease ka cause, very severe chronic disease ka cause bata rahe hain ki barish mein bheeg gaye the, thanda lag gaya tha, ek dukh ho gaya tha, girlfriend chhod gayi, biwi chhod gayi, aisa kuch ek cause batayenge chronic disease ka. Pad lijiye usko, fir I will continue. Even of the severest and most invertebrate diseases, either a cold caught, a thorough wetting, drinking cold water after being heated many years ago, or a former fright, a sprain, a vexation, sometimes even a bewitchment, etc. Bewitchment. These causes, matlab divorce. Yes. These causes are much too insignificant to develop a chronic disease in a healthy body. Wo italics mein kiya hua hai. Ekdam.
हैनिमैन बोल रहे हैं कि एक ग्रीव हाँ कभी भी क्रॉनिक डिजीज नहीं कर सकता, हाँ टू कीप इट अप फॉर एक इयर्स हाँ एंड टू एग्रेवेट इट ईयर बाय ईयर एज इट इन द केस विद ऑल क्रॉनिक डिजीजेस फ्रॉम डेवलप्ड सोरा। अब हनीमैन क्या कह रहे हैं कि हाँ आपका आपको एक ग्रीफ, जैसे पेशेंट आके बोलते हैं डॉक्टर साहब शिमला गए थे वहां ठंडा लग गया उसके बाद से मेरे को एजमा हो गया, हाँ हनीमैन बोल रहे हैं ऐसा कभी नहीं हो सकता, हाँ ये कभी भी कॉज नहीं हो सकता। दे कैन बी एक्साइटिंग कॉज बट दे कैन नॉट बी कॉज ऑफ क्रॉनिक डिजीज। क्या नहीं, पहला दे कैन नॉट कॉज क्रॉनिक डिजीज, दूसरा दे कैन नॉट मेंटेन दिस डिजीज फॉर इयर्स, तीसरा इस कंडीशन को ईयर बाय ईयर वर्स भी नहीं कर सकता, जबकि ये तीनों क्रॉनिक डिजीज में होगा। आप जो भी क्रॉनिक पेशेंट्स हैं उनका डिजीज अगर आप ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो ईयर बाय ईयर वर्स होता जाएगा। तो एक स्प्रेन हुआ उसके बाद से चलने में दिक्कत है, ठीक है, ये कभी भी क्रॉनिक डिजीज का कारण नहीं हो सकता। एजीडी जो गिरा वो दर्द और वो पैरालिटिक पेन और वो सफरिंग 1.5 साल तक चल रहा है, ये हो ही नहीं सकता है हनीमैन का कहना है, ठीक है। इसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि सो हनीमैन का जो क्रॉनिक मायज्म का कंसेप्ट है वो बेसिकली क्या है कि आपको जब भी कोई केस में प्रोपोर्शनेट इफेक्ट दिखेगा, प्रोपोर्शनेट मतलब जितना कॉज है उतना इफेक्ट है, तो इसके हाँ पीछे क्रॉनिक मायज्म नहीं है। अच्छा आपको जोर से किसी ने मारा और उतना ही चोट लगा जितना मारा और उसके बाद वो कुछ दिन में हील हो गया। आपको सही कोई ग्रीफ हुआ या सपोज कोई पेशेंट को कोई ग्रीफ हुआ तो हाँ सपोज उसकी गर्लफ्रेंड या उसकी वाइफ उसको छोड़ दी, ही हाँ विल यूजुअली ओवरकम, 1-6 महीने में 7 महीने में ही विल यूजुअली ओवरकम। बट कॉज इतना सा है, इफेक्ट इतना है, मतलब कॉज और इफेक्ट अगर डिस्प्रोपोर्शनेट है तो पीछे आपने कुछ क्रॉनिक मायज्म सप्रेस्ट किया जिसकी वजह से ये निकल गया। फिजिक्स या बहुत बढ़िया सर बहुत फिजिक्स फिजिक्स या मैथ्स की भाषा में इसको बोलते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट। हाँ बटरफ्लाई इफेक्ट मींस अगर एक बटरफ्लाई ने ऑस्ट्रेलिया में जोर से विंग्स मारा हाँ उसकी रिजल्ट में अमेरिका और अफ्रीका में सुनामी आ गई, इसका मतलब बटरफ्लाई की वजह से नहीं हुआ, सब कुछ रेडी था, वो हाँ बटरफ्लाई का पंख मारने का वेट कर रहा था, वो एजीडी का गिरने का बाकी था, वो हाँ ठंडा लगना ही बाकी था, बाकी हाँ तो सब रेडी था डिजीज को बस्ट आउट होने के लिए। सो बेसिकली सोरा वाज ऑलमोस्ट रेडी इन द केस ऑफ एजीडी टू बस्ट आउट, उसी समय वो फॉल हुआ एंड दैट वाज हिज इफेक्ट। सो कॉज एंड इफेक्ट अगर प्रोपोर्शनेट है हाँ मायज्म नहीं है, यू स्टार्ट ट्रीटमेंट विथ अदर क्लास ऑफ वेल प्रूव रेमेडी विच आर नॉन एंटीसोरिक। अच्छा हैनिमन कंसेप्ट समझते समय ये क्लियर होना है क्योंकि बहुत हाँ सारे डिफरेंट तरह के टीचर से, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, हाँ बट सब मेडिसिन को माइजमेटिक क्लासिफिकेशन दे देते हैं, हर मेडिसिन हाँ माइजमेटिक हाँ मेडिसिन नहीं होता है, ओके ठीक है। कुछ मेडिसिन माइजमेटिक मेडिसिन होते हैं, कुछ मेडिसिन माइजमेटिक नहीं होते हैं। ओके, कैसे हाँ पता चलेगा कि माइजमेटिक मेडिसिन है या नहीं है, इज नॉट बाई सिम्टम्स ओनली। ओके सपोज करिए हाँ एंजाइटी, एंजाइटी किस माइजम का सिम्टम है बहुत प्रोमिनेंटली, सोरा का हाँ सबसे ज्यादा एंजाइटी हमारे एकोनाइट में, सबसे बट ज्यादा एंग्जाइटी सर एकोनाइट इज ए नॉन माइजमेटिक रेमेडी। तो माइजमेटिक रेमेडी किसको बोलेंगे, ओनली दोस मेडिसिन्स को बोलेंगे विच कैन प्रिवेंट रिकरेंसी। एकोनाइट देने से ठंडा लग कम हो जाएगा मगर हाँ बार बार ठंडा लगना कम नहीं होगा, उसके लिए सल्फर चाहिए। बेलाडोना देंगे तो टॉन्सिलाइटिस कम हो जाएगा लेकिन कम हो रिकरेंट जाएगा एपिसोड ऑफ टॉन्सिलाइटिस कम नहीं होगा। तो हैनिमन ने बहुत जगह ऐसे डिफरेंट ट्रीटमेंट में माइजमेटिक और नॉन माइजमेटिक दोनों मेडिसिन का बताया है। तो अगर कॉज एंड इफेक्ट प्रोपोर्शनेट है तो यू नीड ऑफन ज्यादातर नॉन माइजमेटिक रेमेडीज, यहाँ पे आपका आर्निका बेलाडोना रस्टक्स
ऐसे यूज हो जाएंगे, ठीक है। मैं एकदम हैनीमन के हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ कोई एवरी टीचर एवरी स्टूडेंट कैन वेरी डिफरेंटली, कोई कहेंगे कि रस्टेक्स इज एंटीसाइकोटिक दिस दैट, बट हैनीमन के हिसाब से रस्टेक्स इज अदर क्लास ऑफ वेल प्रूव रेमेडी, नॉन एंटीसोनिक, ठीक है। तो सही। अब आते हैं, अगर कॉज एंड इफेक्ट डिस्प्रोपोर्शनेट है तो वो इंजरी आर्मोनिका से नहीं जाएगा, वो इंजरी रस्टेक्स से नहीं जाएगा, फिर कैल्केरिया कार्ब लगेगा, फिर स्ट्रॉन्शिया कार्ब लगेगा, फिर सल्फर लगेगा, फिर वो लगेगा, बिकॉज इसके पीछे में सोरिक कुछ सप्रेशन है, ठीक है। बहुत समय पेशेंट्स को याद नहीं रहेगा, हैनमैन ने ये भी क्लियरली क्रॉनिक डिजीज में कहा है कि बहुत समय पेशेंट्स को याद नहीं रहेगा कि सप्रेशन हुआ था कि नहीं हुआ था। सही तो भी फर्क करने की बात नहीं है, तो भी फर्क करने की बात नहीं है, अगर वो पैटर्न है कि ये डिजीज वर्स होते जा रहा है, कॉज बहुत इनसिग्निफिकेंट था और ये डिजीज बढ़ते जा रहा है, तो भी आप उसको एंटीसोरिक मान के ही ट्रीटमेंट करिए या एंटी क्रॉनिक मायोसिन के हिसाब से ही ट्रीटमेंट करिए, ठीक है। तो ये जो इफेक्ट है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हैनीमन की राइटिंग में, कि आप जब पढ़ रहे हो ऑर्गेनॉन और प्रैक्टिस में जब फॉलो कर रहे हो तो इसको जरूर देखो कि इफेक्ट और कॉज कितना रिलेटेड है, वेदर दे आर प्रोपोर्शनेट और डिसप्रोपोर्शनेट, ये आपके प्रिस्क्राइबिंग में कुछ हद तक आपको हेल्प करेगा और किस सिचुएशन में कैसा प्रिस्क्राइब करना है आएंगे। चलिए इसी पे एक और एग्जांपल लेते हैं ऑर्गेनॉन से। एक अचानक से एक पेशेंट को एक एक्यूट मेंटल कंडीशन डेवलप हुआ, अचानक से पागल हो गया, ठीक है, ओके, इनसेन हो गया, अचानक से उसको मैनिया डेवलप हुआ। अब इस तरह के पेशेंट को हम कैसे ट्रीट करेंगे? तो सिंपली आइडिया है कि आप केस टेकिंग करो, दवाई जो आता है दे दो, दे दो, सही है, दे दो। बट हैनीमैन बोल रहे हैं कि आप केस टेकिंग करो, ये याद रखो कि ये जो एक्यूट कंडीशन आया है इसके पीछे में सोरा है, इसके पीछे में सोरा है या क्रॉनिक मायोसम है, स्पेशली सोरा है, बट इसको एंटीसोरिक मत देना, ओके, इसको अदर क्लास ऑफ वेल प्रूफ रेमेडी देना, जैसे नेमोनिक्स के लिए उन्होंने बता दिया ABHMS, ABHMS, एकोनाइट, बेलाडोना, हाइसेमस, स्ट्रामोनियम, मरकरी, ऐसे मेडिसिन देना। आप एक बार देख लीजिए फट से एप्रोजोम 221, यस, अदर क्लास ऑफ इफ ए वेल प्रूव्ड मेडिकेमेंट्स लाइक एकोनाइट, बेलाडोना, हाइसेमस, मरकरी, स्ट्रामोनियम, इसके बाद मजा क्या आएगा कि आपने जैसे ही दिया बेलाडोना, मरकरी और भी कुछ ऐड कर लीजिए, वेराट्रम वगैरह कुछ भी दिया, पेशेंट एब्सोल्युटली नॉर्मल हो जाएगा कुछ ही दिन में, ओके, घर वाले भी चौंक जाएंगे, आप भी चौंक जाओगे, इतना बढ़िया काम किया होम्योपैथी मेडिसिन, एंड आप वो केस को रिकॉर्ड अगर करे होगे तो आप लीगा वगैरह में प्रेजेंट भी कर पाओगे, ओके, बट प्रॉब्लम क्या है, इसके आगे अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हम वहीं अटक जाएंगे। हैनीमैन का कहना है कि आपने जैसे ये अदर क्लास ऑफ वेल प्रूव मेडिसिन दिया नॉन एंटीसोरिक, वो डिजीज एक्यूट कंडीशन सबड्यू हो जाएगा, सबड्यू हो जाएगा, लेकिन ये मत समझना कि डिजीज क्योर हो गया, वो वापिस आएगा, दोबारा वापिस आने के पहले अब एंटीसोरिक मेडिसिन शुरू कर दो। अगर आपने एंटीसोरिक मेडिसिन नहीं किया, जो कि 222 और 223 में बता रहे हैं, तो अब ये बहुत छोटे से कारण से वापिस आएगा, और या तो ये फुल डेवलप्ड मेंटल डिजीज बन जाएगा, नॉट ओनली अक्यूट, एकदम लाइफ लॉन्ग, या तो फिर ये पीरियोडिक मेंटल डिजीज बन जाएगा, जैसे कि बाइपोलर स्टेट्स वगैरह होते हैं ऐसे। फिर वो मेडिसिन खाली खाली केस में मेडिसिन दे देना है नहीं, किस स्टेज में
क्या मेडिसिन देना है और किस हाँ स्टेज में क्या नहीं देना है, और उसके बाद केस प्रेजेंट के लिए अच्छा है, ठीक है, प्रेजेंटेबल बन गया, बढ़िया है, बट इसको मत रिगार्ड करिए कि ये क्योर हो गया, उल्टा इमीडिएटली थोड़ा सा प्रोलॉन्ग एंटीसोरिक ट्रीटमेंट की तैयारी कर लीजिए, ठीक है। ये सब्सिक्वेंटली 222 और 223 में बोला है। बेसिकली आप अगर ऑर्गेनोन देखेंगे तो लगभग ज्यादातर कंडीशन में ऐसे ही बताया गया, अगर स्किन डिजीज ट्रीटमेंट है अगर आप देख रहे हैं तो उसमें भी ऐसे ही बताया गया कि यू स्टार्ट विद अदर क्लास ऑफ वेल प्रूव रेमेडी जो और कि उसके बाद नॉन एंटीसोरिक है, और उनके ट्रीटमेंट के बाद जैसे कि रस्टाक्स, मरकरी, एकोनाइट, ऐसे ट्रीटमेंट शुरू करिए, उनके बाद जैसे ही एक्यूट स्टेज को कवर किया वैसे ही आप शुरू कर दिया। एंड अगर आप समझेंगे विच इज द बेस्ट टाइम टू ट्रीट क्रॉनिक डिजीज, विच इज द बेस्ट टाइम टू ट्रीट क्रॉनिक डिजीज, क्रॉनिक डिजीज को अगर हम ट्रीट करने जा रहे हैं जब जस्ट कोई आफ्टर एक्यूट फेज, जस्ट आफ्टर एक्यूट डिजीज, क्योंकि उसके बाद ही एसएल आपको प्रोलॉन्ग एंटीसोरिक ट्रीटमेंट की जरूरत इफेक्ट मिलेगा। नहीं तो क्या होगा, आप अपने केसेस में देखिएगा, कुछ बच्चे हैं ये हैं हर बार आ जाते हैं, हर दूसरे महीने में आ जाते हैं बुखार लेके, आप एक्यूट कंडीशन अच्छे से ही ट्रीट कर रहे हैं बट हर दूसरे महीने में सर्दी खांसी लेके आ जा रहे हैं, हर दूसरे दो तीन महीने में रेस्पिरेटरी डिस्टर्स लेके आ रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है, यू आर मैनेजिंग द एक्यूट कंडीशन वेरी वेल, बट उसके बाद का जो प्रोलॉन्ग एंटीसोरिक ट्रीटमेंट देना है ये मिसिंग हो जा रहा है। और ये किसने, ये कहाँ बताया गया है, ये आपके ऑर्गेनॉन में बताया गया, आपके क्रॉनिक डिजीज में बताया गया, और कैसे करना है क्या नहीं करना है ये भी एप्रोजोम्स में सब्सिक्वेंटली बहुत अच्छे से बताया गया। तो बेसिकली आइडिया ये है कि जब भी आप ऑर्गेनॉन को लो तो उसको एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह सोचो। सपोज करो एक आपके पास एक केस आया, आपने उसको टेस्टिंग करके सपोज करिए ब्रैनिया दिया या इग्निशिया दिया, पेशेंट दवा खाने के कुछ घंटे बाद बोला कि डॉक्टर साहब कुछ भी चेंज नहीं हुआ, वैसे ही है। आपने अच्छे से केस लिया था, एक्यूट कंडीशन था, आपने ब्रैनिया दिया या इग्निशिया दिया, लेकिन देने के बाद कोई भी चेंज नहीं आया, अब क्या करोगे? रीकेस्टिकिंग लेके थोड़ा सा, मैंने ये मत सोचना कि आई एम थोड़ा वेट, मैं ये बोल रहा हूँ कि जस्ट थिंक ऐसे प्रैक्टिशनर के हिसाब से, ये नहीं कि मैं कितना जानता हूँ या तुम कितना नहीं जानते हो, ये मेरा बिल्कुल भी मोटिव नहीं, एवरीबॉडी इज डूइंग गुड जॉब, आई एम जस्ट टेलिंग व्हाट हनीमैन हैज एडवाइस एंड हाउ यू शुड रिफर टू ऑर्गेनॉन, ठीक है। अब बताइए आपका आपका क्या, मे बी थोड़ा सा वेट करेंगे कि maybe the action of the medicine might be it is taking some time, immediately effect नहीं हुआ है, sufficient time wait कर लिया, okay, suppose करिए बुखार है, 102 बुखार है, आपने 3 घंटे wait कर लिया, फिर भी बुखार 103 पे ही है, अब क्या करो? okay, repeat करेंगे dose या फिर मतलब पूरा symptoms को options बहुत है, करना क्या है, definitely ये मुझे जानना है, तो ये करना क्या है, definitely 251 में लिखा है, 251. There are some medicines like Ignitia, मैंने example भी वही दिया, Dynia, Rastax and sometimes Belladonna. They have an alternating action. So अगर first dose काम नहीं किया तो repeat the same potency and same dose again. तो यहाँ पे सेम पोटेंसी और सेम डोज फिर से रिपीट करिए, तो देखिएगा इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाएगा। तो ऐसे, सो व्हाट इज 251, ये हमारा एक प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन दिया, स्पेशली कौन से मेडिसिन का, जिस मेडिसिन में अल्टरनेटिंग एक्शन है, जिसमें दोनों स्टेट एग्जिस्ट करता है लगभग अपोजिट, ऐसे मेडिसिन के लिए हनीमैन ने किया। अगर सपोज करिए कि आपने एक मेडिसिन दिया सल्फर जिसमें अल्टरनेटिंग एक्शन नहीं है, दवा देने के बाद वेट भी किया 2 हफ्ते 3 हफ्ते 1 महीना एंड अगेन नो इम्प्रूवमेंट, तब क्या करेंगे?
देन द आंसर इज 252। ओके दैट मींस इट इज अ श्योर साइन दैट देयर इज अ ऑब्स्टेकल टू रिकवरी। पेशेंट पेशेंट ऐसा कुछ खा रहा है, लगा रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है जिसकी वजह से आपका दवाई एक्शन नहीं कर पा रहा। सो एवरी एप्रोजोम इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर। आपको इस अप्रोच से हर एप्रोजोम में कुछ एक प्रॉब्लम क्रिएट की गई है और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व की गई है। आपके एक पेशेंट आने के बाद बोला कि डॉक्टर अभिषेक आपकी दवाई खाके तो मैं बहुत अच्छा हूँ। हाँ। बहुत बढ़िया। आपने बहुत अच्छा, क्या था? खांसी था। अच्छा, खांसी कैसे? हाँ। खांसी तो बहुत बढ़ गया है और कभी कभी कफ के साथ खून भी आ रहा है। अच्छा। पहले नहीं आता था। हाँ। कफ के साथ खून आ रहा है। आपने कहा अच्छा अच्छा बोला तो ये सिम्टम तो खराब है। अच्छा, पैर दर्द कैसा है? पैर दर्द तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है डॉक्टर साहब, बहुत रात में पैर दर्द कर रहा है, पहले इतना नहीं करता था। क्या करोगे? पेशेंट बता रहा है कि मैं बेटर हूँ लेकिन सिम्टम तो सारा नहीं इम्प्रूव हो रहा है, सिम्टम तो एग्रेवेट हो गया। सो व्हाट टू डू? द आंसर इज 256। 256। एक बार ओके रीड कर लीजिए। हाँ। ऑन द अदर हैंड इफ द पेशेंट मेंशंस द अकरेंस ऑफ सम फ्रेश एक्सीडेंट्स एंड सिम्टम्स ऑफ इंपॉर्टेंस साइंस that the medicine chosen has not been strictly homeopathic, even though he should good naturedly assure us that he feels better, as is not infrequently the case of thysical patients with lung abscess, we must not believe his assurance but regard his state as aggravated, as it will soon be perfectly apparent. हनीमन ने क्लियरली कहा है कि इस पे पेशेंट का विश्वास ही नहीं करना है। हाँ। तो इसको एग्रेवेटेड स्टेट ही लेना है क्योंकि पेशेंट गुड नेचर है, क्योंकि पेशेंट ट्यूबरकुलर पेशेंट्स ऐसे ही होते हैं, दे आर वेरी होपफुल। वो खराब भी होंगे, उनका हिमाप्टेसिस भी हो रहा है तो भी बोलेंगे बहुत बढ़िया है डॉक्टर साहब। सही। तो एक एक एप्रोजोम्स इफ यू सी लाइक दिस कि हाँ। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दे दिया है और आपको कुछ सोल्यूशन करना है ऐसे ही। ओके सुपर। बहुत बहुत सर, मतलब बहुत अच्छा जा रहा है सेशन, बहुत सीखने मिल रहा है, लोग कॉन्स्टेंटली कमेंट सेक्शन में, और आई गेस डॉक्टर रविंद्र बॉस भी हैं, सुन रहे हैं। अच्छा, आशुतोष बॉस भी आए हैं, वो भी सुन रहे हैं आपके जान। बाकी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अभी एट अ टाइम हम बिटवीन 90 to 95 स्टूडेंट्स का लाइव अटेंडेंस भी देख रहे हैं, बट कुछ बहुत लोग आपको कॉन्स्टेंटली थैंक करते जा रहे हैं कि सर हम ऐसा लग रहा है कि 8 साल बाद, एक जन ने लिखा था, मैंने पढ़ा, 8 साल हो गया है प्रैक्टिस को लेकिन आज लग रहा है कि ऑर्गेनॉन की क्लास में एग्जैक्ट मीनिंग क्या होना चाहिए हम आज सीख रहे हैं, जो कि मेरा भी फीलिंग है कि मुझे भी आज आप शुरू करिए फ्रॉम एप्रोजोम 1 to 294 तक, जितने भी हैं, या 291 तक। हर एप्रोजोम आपको कुछ सिखा रहा है। सिंपली जैसे एक पेशेंट आया आपके पास, पेशेंट कैंसर टर्मिनल स्टेज में आपके पास आया, व्हाट विल बी योर एटीट्यूड? उसको पैलिएट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि टर्मिनल स्टेज पे है। नो, योर एटीट्यूड द मोमेंट आपने किसी भी चीज के सामने सरेंडर कर दिया ना, आप कभी उससे जीत नहीं पाओगे। ओके। आपको जीतने की कोशिश करना है, भले हारे, कोशिश जीतने वाली रहनी चाहिए। ये बिलीव करते हैं तो सपोज करिए कि आज अफगानिस्तान ने सोच लिया कि मैं इंडिया से जीत नहीं सकता, तो अफगानिस्तान अगले 100 साल भी नहीं जीत पाएगा क्रिकेट मैच में। लेकिन अगर उसने बिलीव कर लिया कि मैं हरा सकता हूँ, इररिस्पेक्टिव रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, जो भी हो, बुमराह हो, तो भी हम हरा सकते हैं। हाँ। 10 में तो एक बार हराएगा। 10 में एक बार। ये ऐसा आप 100 साल पीछे जाते जाइए, तो लगभग 100 साल पहले कोई ना कोई डिजीज था जो इनक्यूरेबल था, आज नहीं है। 70s में एड्स वाज इनक्यूरेबल, आज नहीं है। आज एड्स पेशेंट कैन लिव मेनी इयर्स।
बोनिंग ऑसन के समय टीबी वॉज इनक्यूरेबल, किसी ने बोनिंग ऑसन को क्योर किया, इसकी वजह से हमारी इतनी रेपर्टरीज वगैरह सब आई, नहीं तो कुछ नहीं मिलता हमें. तो उनका उनका तो ऐसे ही किसी ने स्मॉल पॉक्स की क्योर करने की सोची, तभी उसने एक कॉपॉक्स वैक्सीन बनाया. तो एज ए फिजिशियन आप कभी भी पहले नेगेटिव नहीं हो सकते. क्या हमारे पास कैंसर रिकॉर्डेड केस क्योर नहीं है? है, बहुत है, बहुत ग्रीमर है, हंटी रॉबर्ट कूपर है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत क्लर्क हैं, ठीक है, बर्नेट है, बर्नेट, एलिस बार्कर है, यस, द लाइफ ऑफ इनक्यूरेबल्स बोल के किताबें बहुत अच्छी, यस यस, तो वो कर सकते हैं, व्हाई नॉट अभिषेक जोशी और नवीन सिंह क्यों नहीं कर सकते, ठीक है, ट्रू. सो योर मोटिव विल बी ऑटिज्म 1, मोटिव नहीं, हाईएस्ट भी. The high and only mission of the physician is to restore the patient. To cure as it is done. तो मैं क्योर की तरफ ही जाऊंगा. इस बीच में क्या पेशेंट के साथ हो रहा है, पैलिएट हो रहा है या ये हो रहा है, सिर्फ ख्याल इतना रखना है कि बहुत हाई पोटेंसी नहीं दे सकते, पैथोलॉजिकल केसेस है, ठीक है, हमको लो टू मीडियम पोटेंसी यूज करना है, रिपीटेशन बहुत सोच समझ के यूज करना है, ऐसे करके. तो एप्रोजम वन सिखाता है कि आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए. आप चेंबर में बैठ के अगर पहले दिन से बोलेंगे ये ठीक नहीं होता होम्योपैथी से, वो ठीक नहीं होता होम्योपैथी से, ये ठीक नहीं होता होम्योपैथी से, तो आप अपना फील्ड ऐसे नैरो करते जा रहे हैं. सही, ऐसा भी नहीं बोलना है कि ठीक होगा, मैं नहीं करा, बट अपने मन में एटीट्यूड रखना है, मैं कोशिश करता हूँ, मैं पेशेंट को हेल्प करने की कोशिश करता हूँ. उसी के फुटनोट में लिखा है, द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ स्टैंड अप एंड टू रियली हेल्प टू क्योर. पेशेंट को हेल्प करो क्योर होने के लिए. होगा कि नहीं होगा वो तो ऊपर वाले के हाथ में है या भगवान के हाथ में, चलो, बट कोशिश तो करो. अगर मैं पहले ही सरेंडर कर दे रहा हूँ तो वो कोशिश नहीं हुई. तो ऑर्गेनॉन वेरी क्लियरली ऐसे लिखा है कि अगर सपोज करिए क्योर हो गया, तो कैसा क्योर हुआ, अच्छा या खराब, वो आपको दो दो नंबर एप्रोजम बताएगा. रैपिड हुआ था, जेंटल हुआ था, परमानेंट हुआ था, शॉर्टेस्ट हुआ था, रिलायबल हुआ था, प्रिंसिपल्स पे हुआ था, तब वो सही क्योर हुआ है. ऐसे तो हर एप्रोजोम शुरू से लेके लास्ट तक आपको कुछ प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस देता जाएगा. हर समय आपको ऐसे देता जाएगा. ये एक बहुत यूनिक आपने तरीका, मतलब एक नजरिया दिया है ऑर्गेनॉन को देखने का, कि सर एवरी एफोरिज्म इज एक्चुअली एन आंसर टू अ सिचुएशन. एक सिचुएशन उन्होंने क्रिएट करके उसको सॉल्व करने आंसर को दिया, तो बहुत उसको मतलब उसको सॉल्व करने की कोशिश की, और ऐसा ऐसा वर्ड्स लिखा है ना, यू विल बी एस्टोनिश्ड, यू विल बी एस्टोनिश्ड कि हनीमन ने इतना इतना क्लियरली कैसे लिखा. जैसे तीन नंबर एप्रोजोम में ही इज राइटिंग की नॉलेज ऑफ डिजीज इंडिकेशन, नॉलेज ऑफ मेडिसिन, पैथोजेनेटिक पावर एंड मेथड ऑफ एप्लीकेशन. जानने के बाद, जानने के लिए आपको मेडिसिन को अप्लाई करना पड़ेगा. व्हाट इज अनडाउटेडली मॉर्बिड इन द पेशेंट, अनडाउटेडली मॉर्बिड मतलब पेशेंट ने बहुत सारा सिम्टम्स बताया और बताया कि पैर के नीचे में एक जैसे कांटा लग रहा है. आपने पैर चेक नहीं किया, सही में कांटा था, अब उसके लिए दवाई दिए जा रहे हो, तो वो अनडाउटेडली मॉर्बिड नहीं है. तो ऑर्गन को वेरी क्लियरली धीरे धीरे पढ़ना है और समझ समझ के पढ़ना है. हमने बहुत छोटी सी बुक है, इससे बड़े बड़े बुक हम 11-12 में खत्म करके आए हैं. ये तो बहुत छोटी छोटी सी बुक है. आपका पूरा पूरा क्रॉनिक डिजीज, अगर स्पेशली अगर ट्रीटमेंट ऑफ सोरा आप पढ़ते हो तो जस्ट 136 पैरा है, ठीक है. आप अगर ट्रीटमेंट ऑफ सोरा पढ़ते हो, होल फिलोसफी वहां से निकल के आई है, होल फिलोसफी वहां से निकल के आया, चाहे केन फिलोसफी और स्टुअर्ट लोज रॉबर्ट्स, क्योंकि असल फिलोसफी होम्योपैथी की कहाँ है मालूम है, सेकेंडरी सोरा के ट्रीटमेंट में. बाकी तो सब 66-67 जाता है. एक्यूट डिजीज लगा तो एक डोज में ही काम हो जाएगा. सिफिलिटिक केसेस भी बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं. साइकोटिक केसेस भी स्लो, बट बहुत ज्यादा उसमें हेर फेर नहीं है. असल ट्रीटमेंट क्या आता है, आपको ट्रीटमेंट ऑफ सेकेंडरी केसेस, सेकेंडरी सोरिक केसेस में आपको ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम्स आते हैं. तो ऐसे इन चीज, इसीलिए
पूरा फिलॉसफी जो आता है कि आपको रिपीट करना है, कि वेट एंड वॉच करना है, कि कब मेडिसिन देना है नहीं देना है, इसको इसको इस पॉइंट को भी ले लेते हैं। पेपर है, पेपर पेन? पेपर पेन है अच्छा, एक एक ब्लैंक शीट ले लो, मैं इसको थोड़ा इलेबोरेटली बता रहा हूँ। एक पॉइंट पकड़ लेते हैं हम लोग, डोज एंड रिपीटेशन पे। तो जब भी डोज एंड रिपीटेशन हम करेंगे, हैनीमन ने क्या क्या बताया है, इसको हम तीन चीज में डिवाइड कर सकते हैं, फोर्थ एडिशन, फिफ्थ एडिशन और सिक्स्थ एडिशन। तीन चीज में डिवाइड कर सकते हैं कि फोर्थ एडिशन में क्या बताया, फिफ्थ एडिशन में क्या बताया, सिक्स्थ एडिशन में क्या बताया। फोर्थ एडिशन में हैनीमन ने कहा कि अगर एक पेशेंट को आपने दवाई दी, अगर इम्प्रूवमेंट है, जरा सा हो चाहे ज्यादा हो, आपको वेट करना। आपने पेशेंट को एक डोज दी, पेशेंट खा के एक महीने बाद या 7 दिन बाद या 2 दिन बाद या 1 घंटे बाद आके बोला कि डॉक्टर साहब मुझे थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, आपने देख लिया कि कोई सिम्टम्स ऐसा नहीं है, एग्रवेशन हो रहा है, तो आपको वेट करना। जब फिफ्थ एडिशन हैनीमन डोज एंड रिपीटेशन लिखने गए, तो उन्होंने कहा कि मैं ये फोर्थ एडिशन वाला क्यों कर रहा था, क्योंकि मुझे इससे अच्छा पता नहीं था। इसके लिए उन्होंने एक टर्म यूज किया, सी नॉन जुवेट मोडोनिनोसेट। 246 एप्रिज्म के फुटनोट में देखिएगा, एक लंबा सा फुटनोट है, फर्स्ट पैरा में लिखा है, सी नॉन जुवेट मोडोनिनोसेट। इसका मतलब होता है आप अगर किसी का अच्छा मत कर सकते हो तो नुकसान तो मत करो। तो क्यों हैनीमन वेट कर रहे थे फोर्थ एडिशन तक एलिबरेशन में? क्योंकि उनको इससे अच्छा तरीका नहीं मिल रहा था। इस बीच में उन्होंने बहुत कुछ ट्राई किया, फोर्थ से फिफ्थ के बीच में बहुत कुछ ट्राई किया, छोटे छोटे डोज देने की कोशिश की, बड़े बड़े डोज देने की कोशिश की, फुल ड्रॉप खिलाने की कोशिश की, चार चार ग्लोबुल एक एक घंटे पे खिलाने की कोशिश की, मोस्ट ऑफ द थिंग रिजल्ट इन एग्रवेशन। तो फिफ्थ एडिशन में आके, अब फिफ्थ एडिशन में उन्होंने दो भाग में डिवाइड किया एमरेशन को। एमरेशन को दो भाग में डिवाइड किया, एक को हम बोलते हैं PPSIA, PPSIA, देखिए 245 का सेकंड पैरा में जो लिखा है, सेकंड पैरा, हाँ, आपका सिक्स एडिशन ओनली कि फिफ्थ एंड सिक्स्थ है? नहीं, मैं फिलहाल मेरे पास सिर्फ सिक्स एडिशन ही है, फिफ्थ सिक्स वाला बुक नहीं है आज मेरे साथ। अच्छा, फिफ्थ वाला नहीं है? नहीं, मैं लेकिन उसका अच्छा, ये है। अच्छा ठीक है, आपको मिल जाएगा। आप 246 सिक्स्थ एडिशन का पैरा फर्स्ट लाइन पढ़िए। Having thus seen what 246 246 every perceptible progressive and strikingly increasing amelioration during treatment, इसी को PPSIA बोल रहे हैं। PP अच्छा। perceptibly progressive and strikingly increasing amelioration। ओके। इसमें अगर ऐसा होगा, मतलब कि आपको अगर पेशेंट बता रहा है कि डॉक्टर आपकी दवाई खाने के बाद बहुत अच्छे हैं, हाँ हाँ, तो आपको दवाई नहीं देना है। ओके। इट प्रीक्लूड्स एवरी रिपीटेशन। लेकिन अगर अगर ये एक तरह का एमुलेशन हुआ, क्या परसेप्टिवली प्रोग्रेसिव स्ट्राइकिंगली इंक्रीजिंग एमरेशन, हर घंटे बाद पेशेंट बेटर होते जा रहा है, बेटर होते जा रहा है, या हर 10वें दिन, 11वें दिन, 15 दिन बाद पेशेंट बेटर होते जा रहा है, तो आपको कोई दवा देना है, आपको वेट करना है। लेकिन अगर SPA है, SPA मतलब स्लोली प्रोग्रेसिव एमरेशन, ठीक है, SPA उसको शॉर्ट में बोल रहे हैं,
अगर एसपीए है तो आपको तीन चीज करनी है। ओके सबसे पहले देखिए मेडिसिन सिमिलिमम है कि नहीं, दूसरा आपने स्मॉल डोज में दिया है कि नहीं, तीसरा उसको सूटेबल इंटरवल में रिपीट किया है कि नहीं। तो अगर स्लो एमलरेशन है, डॉक्टर साहब थोड़ा सा आराम है, बहुत ज्यादा तो नहीं हुआ, थोड़ा सा आराम है, तो दिस अलाउज यू टू रिपीट योर मेडिसिन। अगर कहा कि डॉक्टर साहब दवा खा के बहुत अच्छे हैं, तो यहाँ पे आप मेडिसिन नहीं दे सकते। दो तरह के एमलरेशन बताए गए, मेबी सिक्स में भी, दोनों में है, बट फिफ्थ में सेंटीसिमल का रिफरेंस में, सिक्स में ये 50 मिलीसिमल पोटेंसी के रिफरेंस में। फिफ्थ और सिक्स दोनों है नवीन बॉस मेरे पास अभी। अच्छा फिफ्थ जो है, हाँ तो फिफ्थ का 245 में देखेगा, 245 के सेकंड पैरा में लिखा हुआ है, एवरी परसेप्टिबल प्रोग्रेसिव इन स्ट्राइकिंग व्हिच प्रीक्लूड्स एवरी रिपीटेशन, और 246 देखिएगा फिफ्थ का। हाँ On the other hand, on the other hand, the slowly progressive amelioration, SPA, SPA. तो यहाँ पे आपको तीन चीज चाहिए, देखिएगा वहाँ पे लिखा हुआ है, सिमिलिमम होना चाहिए, स्मॉल डोज होना चाहिए, सुटेबल इंटरवल होना चाहिए। अब मजे की बात है, ये सुटेबल इंटरवल है, ये कैसे डिसाइड होगा? एक दिन, दो दिन, सात दिन, दस दिन, पंद्रह दिन, चौदह दिन, तो हैनीमैन ने इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया, उसका नाम ट्रू मिडिल पाथ। ओके आपने जो सी नॉन जुवेट का जो पैरा देखा था फुटनोट, हाँ हाँ उसके नवे पैरे में चले जाएगा, नाइन्थ पैरे में, वो फुटनोट के, हाँ आई परसीव दैट फिफ्थ एडिशन में देखेगा, फिफ्थ एडिशन, एक मिनट, 240 फिफ्थ सिक्स के जो फुटनोट है, हाँ 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 एक मिनट बॉस, नाइन्थ पैरा में, उसके नाइन्थ में चल, नाइन्थ में चल जाऊँ ना, आई परसीव दैट इन ऑर्डर टू डिस्कवर द ट्रू मिडिल पाथ, यही सो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, एक मध्यम मार्ग निकाला। हाँ मध्यम मार्ग, जैसे बुद्ध का मध्यम मार्ग होता है, हाँ ठीक है, वैसे ही हनीमन ने भी एक अपना मध्यम मार्ग निकाला। हाँ ओके सो सूटेबल इंटरवल पे कब रिपीट करेंगे, फॉलोइंग टीएमपी, ट्रू मिडिल पाथ। ट्रू मिडिल पाथ, ट्रू मिडिल पाथ क्या बताता है, तीन कंडीशन हमेशा देखेगा रिपीट करने के पहले। हाँ. सबसे पहले नेचर ऑफ द डिजीज, वेदर एक्यूट है, क्रॉनिक है, वेरी एक्यूट है। दूसरा आपका कॉर्पोरियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट रॉबस्ट है, पेशेंट वीक है, पेशेंट डेलिकेट है, पेशेंट सेंसिटिव है, पेशेंट इरिटेबल है, प्लेथोरिक है, कॉलरिक है, वगैरह 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 जो भी। और तीसरा नेचर ऑफ द मेडिसिन। अब यहाँ पे वो बहुत सारा एग्जांपल दे रहे हैं, मैं इसको समराइज कर देता हूँ, ज्यादा लंदी नहीं करके। उभरे की वेरी एक्यूट डिजीज है, बहुत सीवियर, कॉलरा जस्ट डेवलप हो रहा है, वेरी एक्यूट कंडीशन है, मेडिसिन कैम्फर है, एक वेजिटेबल ड्रग। पेशेंट सपोज करिए कि मॉडरेट पेशेंट है, ज्यादा रोबस्ट या ज्यादा डेलिकेट नहीं है, इस कंडीशन में आप कैम्फर पांच पांच मिनट पे रिपीट कर सकते हैं। लेकिन यही कॉलरा थोड़ा सा डेवलप हुआ, स्थिर हुआ, तो ये वेरी एक्यूट अब नहीं है, अब एक्यूट हो गया। मेडिसिन इंडिकेटेड है आर्सेनिक या फास्फोरस, जिसे मिनरल किंगडम ड्रग, इनको दो घंटे के पहले रिपीट नहीं कर सकते। वेजिटेबल ड्रग है तो यूजुअली जल्दी रिपीट होगा, मिनरल ड्रग है, मिनरल ड्रग है, आई एम ऑडिबल, साथ में नोट्स मेरे लिख रहा हूँ इसीलिए। अच्छा तो
यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि अगर मिनरल हाँ ड्रग है हाँ तो आप इसको 2 घंटे के दो पहले रिपीट नहीं कर घंटे सकते। रिपीट नहीं बोल करेंगे। रहे हैं कि अगर सिफिलिटिक केस है, प्योर हाँ सिफिलिस, हाँ मॉडरेट कॉन्स्टिट्यूशन है, मर्करी इंडिकेटेड है, हाँ यूजुअली सिफिलिस बहुत इजीली क्योर हो जाता है, हाँ मर्करी 1 हफ्ते के पहले रिपीट नहीं कर सकते। ये हुआ 5th एडिशन का कंसेप्ट। तो एक बार समराइज कर देते हैं, 4th एडिशन एनी एमलरेशन जस्ट वेट एंड वॉच। हाँ क्यों किया था? क्योंकि उनको कुछ अच्छा पता नहीं था, सी नॉन जुवेट मोडोनिनोसेट। हाँ 5th एडिशन में वो आके कह रहे हैं कि एमलरेशन 2 तरह के होंगे, एक पीपीएसआई होगा, परसेप्टिवली पीपीएसआई प्रोग्रेसिव स्ट्राइकिंगली इंक्रीजिंग एमलरेशन, और एक एसपीए होगा, स्लोली एसपीए प्रोग्रेसिव। अगर पीपीएसआई हुआ तो वेट एंड वॉच, कोई रिपीट मत करिए, वेट करिए, आराम से पेशेंट ठीक हो जाएगा। नहीं होगा तो जब जरूरत पड़ेगा तब रिपीट करिएगा, स्टैंड स्टिल होने दीजिए। अगर एसपीए है, स्लोली प्रोग्रेसिव एमरेशन है, तो आपको क्योर को 100 दिन तक वेट करना नहीं है, उसको कम करके जल्दी लेके आना है। तो इस कंडीशन में आपको 3 चीज 3 S करना है, सिमिलिमम, स्मॉल डोज, सुटेबल इंटरवल। सुटेबल इंटरवल किस तरह डिसाइड होगा? ट्रू मिडिल पाथ से, मध्यम मार्ग से। इसमें कॉर्पोरियल कॉन्स्टिट्यूशन, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिजीज और नेचर ऑफ द मेडिसिन, ये 3 को कंसिडर करिएगा। डिजीज को क्लासिफाई करिएगा वेरी एक्यूट, एक्यूट, क्रॉनिक। वेजिटेबल, मिनरल, एनिमल, ऐसे ड्रग्स के होंगे। वेजिटेबल यूजुअली रिपीट जल्दी होते हैं, एक्सेप्ट है लाइकोपोडियम जल्दी रिपीट नहीं होता, ड्रोसेरा भी बहुत जल्दी रिपीट नहीं होता, कुछ एक्सेप्शन है वो हाँ आपको मेडिसिन पढ़ते हुए एक्सेप्शन मेट्रिया यस यस मेट्रिया यस मेट्रिया आपको सिखा देगा यस कि ड्रोसेरा को हुपिंग कप में 1 हफ्ते के पहले रिपीट मत करिए, ट्रू ठीक है। और तीसरा है कि पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, इस हिसाब से रिपीट होगा। तो उन्होंने ये बेसिक कॉन्सेप्ट बनाया। अब फिर 6th एडिशन में आके उन्होंने फिर थोड़ा सा चेंज किया। 6th एडिशन में वही 2 चीज रखा कि एमरेशन 2 तरह के होंगे, पीपीएसआईए और एसपीए। अगर पीपीएसआईए हुआ तो भी आपको बंद करना है, मेडिसिन नहीं दे सकते। आपने सपोज सल्फर 0/1 दिया, 2 4 डोज खाने के बाद पेशेंट ने कहा कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, सारा तकलीफ तो कम हो गया, आप मेडिसिन नहीं खिला सकते, जो कि हम बहुत समय गलती करते हैं। अरे खाते जाओ, 16 डोज खत्म करो, 7 डोज खत्म करो, 10 डोज खत्म करो, नहीं। 246 क्लियरली से 6th एडिशन कि अगर परसेप्टिवली प्रोग्रेसिव स्ट्राइकिंगली इंक्रीजिंग एमलरेशन है तो आप यहाँ पे भी एलएम पोटेंसी भी रिपीट नहीं करेंगे। ये कॉमनली एक्यूट में होता है, क्रॉनिक में रेयरली होता है। ओके हाँ रेयरली होता है मतलब नहीं होता है ऐसा नहीं है, हाँ हाँ बट एक्यूट में कॉमनली होता है। अब अगर एसपीए हुआ जो कि हाँ क्रॉनिक में ज्यादातर होता है, स्लोली प्रोग्रेसिव, यहाँ आप मेडिसिन रिपीट कर सकते हैं, बट यहाँ पे 3 S की जगह 5 S आ गया। 5 S आ गया, पहला सिमिलिमम, दूसरा स्मॉल डोज, ओके तीसरा हो गया आपका सॉल्यूशन, मेडिसिन जब भी देंगे सॉल्यूशन, हाँ चौथा हो गया सुटेबल इंटरवल, और पांचवा हो गया समवट चेंज या सक्सेशन, हर बारी समवट चेंज करना होगा। सर ये बहुत मतलब ये क्लास ऐसा लग रहा है ना कि एक्चुअली हम लोग को लग रहा है कि हम क्लासरूम में बैठे हैं। बहुत बहुत सालों बाद ऐसा हो रहा है कि एक इंस्टाग्राम लाइव सेशन एक क्लासरूम में कन्वर्ट किया है। सो बहुत अच्छा लग रहा है सर, थैंक यू सो मच। और पढ़ाइए सर, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, ठीक है, ये मैं किसी को कोई जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि हैनीमन ने क्या किया, पहले इसको जान ले, हाँ करेंगे हम किसी का भी, किसी को भी हाँ फॉलो करेंगे, बट हैनीमन ने क्या कहा है हाँ इसको जरूर जाने, ताकि हाँ ये सिचुएशन में अगर कोई मुझे डिविएट होना पड़े तो मैं कितना डिविएट हो रहा हूँ, या मैं कुछ नया कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा हूँ, इस चीज को समझने की देरी है। तो ऐसा बहुत सारा, ये तो मैं जस्ट रिपीटेशन लेके बताया, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम। सपोज एक कॉमन प्रॉब्लम है कि हमारा
एक केस में दो मेडिसिन आ रहे हैं, ओके okay. कुछ सिम्टम्स हाँ लग हाँ रहे हैं हाँ कि नक्सवामिका के हैं, कुछ सिम्टम लग रहे हैं कि आर्सेनिक के, हाँ क्या करना होगा? लोग डिफरेंशिएट आंसर जनरल से या फिर आंसर आंसर दिया है 169 और 170 में. 169 में ये प्रॉब्लम उठाया है और 170 में ओके इसका आंसर दिया. 160 170 ओके हाँ इसका आंसर ऐसे लिखा है कि आप जो मोस्ट सुटेबल है उसको दीजिए, मतलब प्रैक्टिकली यू इवेल्युएट, आप हाँ इवेल्युएट करिए, इवेल्युएशन में जो ज्यादा आ रहा है उसी को दीजिए, दूसरा मत दीजिएगा. आप देने के बाद अगर नेक्स्ट मेडिसिन वही आ रहा है तो यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट, लेकिन ज्यादातर वो नहीं आएगा, सिम्टम्स चेंज हो जाएंगे. सो ये जो ऑब्जर्वेशन है कि पहले आर्सेनिक दे देते हैं, बाद में नक्स दे देंगे, एनीवन कह रहे हैं ज्यादातर ऐसा होता है कि आप दोबारा जब आर्सेनिक देने के बाद कुछ सिम्टम्स चेंज होंगे, कुछ चले जाएंगे, हाँ तो आप जब दोबारा केस लेंगे तो और यूजुअली नक्स वोमिका नहीं आता है. आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल. हनीमन कह रहे हैं कि अगर आया तो बहुत अच्छा, यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट कि आपने अच्छे से दोनों मेडिसिन को समझा था, लेकिन यूजुअली कुछ और मेडिसिन आएंगे. ये कहाँ लगता है, किस कंडीशन में लगता है? जब हम एक सिंगल मेडिसिन से केस को ट्रीट नहीं कर सकते क्योंकि उसकी सारी सिम्टम्स एक मेडिसिन कवर नहीं कर रही है. तो इसके लिए पूरा हैनिमन ने 162 से 171 तक लिखा है कि अगर एक मेडिसिन आपकी कवर नहीं कर रही है तो आपको कैसे उस केस को ट्रीट करना है. और एक मेडिसिन बहुत समय कवर अप नहीं करेगी, स्पेशली 171 एक बार पढ़िएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इन नॉन वेनेरेबल क्रॉनिक डिजीजेस दोज मोस्ट कॉमनली देयरफॉर दैट अराइज फ्रॉम सोरा वी ऑफन रिक्वायर इन ऑर्डर टू इफेक्ट अ क्योर टू गिव सेवरल एंटीसोरिक रेमेडीज इन सक्सेशन एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद मेडिसिंस लगेंगे. एवरी सक्सेसिव वन बीइंग होम्योपैथिकली चोजन हर बार आपको किस्टिकिंग करके ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, आर्बिट्री नहीं कर सकते. इन कंसोन with the group of symptoms remaining after the completion of the action of the previous remedy. अब यहाँ पे क्योंकि एक तो हम प्रैक्टिशनर हैं, ऊपर से इंडियन हैं, थोड़ा सा लेजी तो रहते ही हैं, यहाँ पे क्या करते हैं यूजुअली, ऐसा करना गलत है यूजुअली, बट फिर भी थोड़ा प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं. यूजुअली केस आपका एक झटका से चेंज होके कहीं और नहीं जाएगा. सपोज आपने सल्फर दिया तो अचानक से कोनियम पे नहीं जाएगा, सल्फर के आसपास ही घूमेगा, घूमेगा एंड दैट्स व्हाई द रेमेडी रिलेशनशिप बिकम इम्पोर्टेंट. यहाँ पे रेमेडी रिलेशनशिप इम्पोर्टेंस हो जाता है, ठीक है, आपके आसपास ही घूमेगा. आपने अगर एक केस को अच्छे से लिया, सपोज केस में सल्फर आ रहा है, ठीक है, हैनिमन का आइडियल तरीका है कि सल्फर दिया, जो सिम्टम्स गया गया, बाकी जो बचा उसकी स्टिकिंग करिए और क्या सिम्टम्स आया, ये तरीका है. क्योंकि एज ए इंडियन थोड़ा सा हम लेजी हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, तो यहाँ पे ये ध्यान रखते हैं कि नेक्स्ट प्रिस्क्रिप्शन सल्फर से बहुत दूर ना जाए. ऐसे ही कोई आसपास का मेडिसिन खोजें जो सल्फर के रिलेशन में हो ताकि वो क्योर को सही तरीके से आगे लेके जाए, ठीक है. ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है. और ये रेमेडी रिलेशन इतना नेचुरल है अभिषेक कि माने आप इसको अपने से रिलेट कर सकते हैं, आप इसको अपनी अपनी मतलब हर आदमी के लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है. रेमेडी रिलेशनशिप जो ये बनता है इसमें इसको जैसे रखिए कि सल्फर, आप जब सल्फर पढ़ रहे हो तो हाँ. बहुत सारे मेडिसिन सल्फर के आसपास आते हैं, आपको डिफरेंट कंडीशन में लगते हैं, जैसे हो गया नक्सोमिका हो गया विच इज ए कम्प्लीमेंट्री ऑफ सल्फर, एकोनाइट हो गया विच इज ए कम्प्लीमेंट्री ऑफ सल्फर, कैल्केरिया कार्ब हो गया विच फॉलो सल्फर, ऐसे बहुत सारे रेमेडीज आते हैं. मरकरी हो गया विच इज ए फॉलोअर ऑफ सल्फर,
अब देखो इनमें क्या रिलेशन होता है कि ये जो मेडिसिन जो सल्फर के आसपास है, जो सल्फर की कंप्लीमेंट्री है, ये हाँ सारे सल्फर को एंटीडोट भी ज्यादातर करते हैं। अब जैसे सपोज करो क्यों एंटीडोट करते हैं, बिकॉज वन ऑफ द मेन रीजन इज सिम्टम सिमिलैरिटी। आपने कोई मेडिसिन खाया, उसके सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप उसको एंटीडोट कैसे करोगे? नॉर्मली बोलते हैं, कोई बोलता है कैम्फर दे दो, कोई बोलता है नक्सोमिका दे दो, दिस इज नॉट द आइडियल वे। आइडियल वे इज आप सिम्टम्स लिखो, किस मेडिसिन के सिम्टम से ज्यादा मैच कर रहा है, सल्फर दोबारा नहीं देना है नहीं तो और एग्रेवेट हो जाएगा। तो किस मेडिसिन के, कभी कभी होता है कि हाइपोटेंसिव दे सकते हैं आप, बट हाँ यूजुअली सल्फर के आसपास ही होगा। बॉस आवाज नहीं आ रही। आपको हाँ ऐसा ही हाँ मेडिसिन का होगा जिससे सल्फर का आसपास का सिम्टम होगा। इसलिए वो आप देखोगे कि जब हैनिमन सोरिक ट्रीटमेंट में केस करने बोल रहे हैं कि सपोज एक सोरिक केस है, उसमें बहुत सारे डोज सल्फर के लगने वाले हैं, तो बोल रहे हैं कि दो तीन डोज के बाद सल्फर काम नहीं करेगा, तो बीच में एक डोज नक्सोमिका दे दो, बीच में एक डोज थियोपरासल दे दो, बीच में एक डोज पल्सेटिला दे दो, या बीच में एक बार मरकरी ऑल्फेक्शन करवा दो। ओके तो जो सल्फर के आसपास है वो एज ए रूल सल्फर के कंप्लीमेंट्री भी हैं, सल्फर के एंटीडोट भी हैं। अब इस चीज को अपने लाइफ से समझो कि जो तुम्हारे हाँ आसपास है, जैसे हाँ तुम्हारी मम्मी पापा हाँ भाई बहन दोस्त, ये सब तुम्हारा हाँ भला चाहते हैं, और जैसे हाँ ही तुमने कुछ गलत किया, जैसे ही सल्फर ने एग्रेवेट किया, वो तुरंत हाँ बोलते हैं ये गलत है बेटा, ऐसा नहीं करना। सही है सही है तो सही पूरा जो हमारा रिलेशन जो है, वही हमारे मेट्रोमेडिका में भी हमारा रिलेशन है। आप पूरा मेट्रोमेडिका को क्या पकड़ बात लो, है। ऐसे ऐसे ही है, पूरा मेट्रोमेडिका ही ऐसे ही है। सपोज करो जैसे हमारा एक कॉमन रिलेशन होता है कि मैं किसी को पसंद कर रहा हूँ, वो भी मुझे पसंद कर रही है, तो जैसे बेलाडोना कैल्केरिया कार बेलाडोना। फिर कुछ ऐसा भी रिलेशन होता है जहां मैं उसे पसंद कर रहा हूँ, कर रही है, वो लेकिन वो किसी और मुझे को पसंद पसंद, नहीं करता। वो किसी और को पसंद करती है। जैसे आप लैकेसिस खोलोगे, लैकेसिस की कंप्लीमेंट्री है नाइट्रिक एसिड, बट नाइट्रिक एसिड का इनिमिकल है लैकेसिस। एलन खोल लीजिए, एलन में चेक कर लीजिए, नाइट्रिक एसिड खोलिएगा ना, हाँ उसमें हाँ लैकेसिस, हाँ और हाँ लैकेसिस खोलिएगा, उसमें लिखा है इनिमिकल या कंप्लीमेंट्री नाइट्रिक एसिड। तो जैसा हम लोग हैं, ठीक हमारी मेट्रोअमेरिका भी वैसी ही है, वैसे हमारे रिलेशंस जैसे हैं, हमारे मेट्रोअमेरिका के रिलेशंस भी वैसे ही हैं। ठीक है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आप देखना पसंद नहीं करते, जिनको मैं देखना पसंद नहीं करता, इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर। ठीक मेट्रोअमेरिका में ऐसे ही कुछ ड्रग्स हैं जिनको सल्फर पसंद नहीं करता, जैसे कि रैनेनकुलस बल्बोसस, एपिस रेस्ट्रिक्स को पसंद नहीं करता, ये उनसे दूर रहते हैं, ये उनके आसपास ज्यादा नहीं रहते, ये उनसे दूरी बना के रहते हैं। वो आया तो फिर मैं यहां से निकल जा रहा हूँ, वो आया तो मैं यहां से हट जाऊँ। ठीक हम जैसे हैं, ठीक हमारा मेट्रोमेडिका का रिलेशन भी ऐसे ही बनता है। तो ये बहुत एसेंशियल है प्रिस्क्राइबिंग में, ये दिमाग में रखने का कि वंस यू स्टार्ट ट्रीटिंग ए क्रॉनिक केस, आपका प्रेस्क्रिप्शन यहां से वहां नहीं जंप करेगा थ्रू आउट द स्केल। आप धीरे धीरे कंप्लीमेंट्री के थ्रू आगे जाएंगे। आगे जाएं। ये प्रैक्टिकल तरीका है, हैनिमन का तरीका है कि आप केस टेकिंग करेंगे, जो आएगा वो देंगे। उनका भी ऑब्जर्वेशन, बहुत सारों का ऑब्जर्वेशन है कि सल्फर के बाद ज्यादातर कैल्केरिया आता है, या सल्फर के बाद सरसाफरीला आता है, या सल्फर के बाद ये मेडिसिन आती है, ऐसे बहुत सारा ऑब्जर्वेशन है। वो सब विद इन द स्फीयर ऑफ सल्फर में ही है, क्योंकि वो उनको हेल्प करने के लिए तैयार है, सल्फर के काम को बाकी आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। तो यही होता है कि आप जब कोई केस में सल्फर दे रहे हैं दो तीन चार डोज के बाद, और पेशेंट सल्फर खाने से एग्रेवेशन हो रहा है, तो एक मर्करी ऑल्फेक्शन ने उसको कम दिया, अब आप पेशेंट अगला चार पांच डोज आराम से ले पाएगा। तो ये प्रैक्टिकल पॉइंट्स बहुत जरूरी है, जो कि ऑर्गेनॉन से सिखाए गए। ये पूरे 246 के फुटनोट में ये है, क्रॉनिक डिजीज में ऐसा ही इसी के बारे में दिया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो हम
इनको लेके धीरे धीरे चलना है। अब मैं एक और सिचुएशन देता हूँ इससे बाहर निकल सके। लेट्स टेक कि आपने क्रॉनिक केस ट्रीट किया, आपने एक मेडिसिन दी, मेडिसिन खाने के बाद पेशेंट को 7-8 दिन बाद कुछ सिम्टम्स बढ़े, जो कि हर होम्योपैथ का डिजायर होता है, जो क्लासिकली प्रैक्टिस कर रहा है, हाँ के बाद सिम्टम्स कमने शुरू हुए, एक 1.5 महीने बाद आपने प्लेसिबो चलाया बीच में, 1.5 महीने बाद पेशेंट आके बोल रहे हैं कि डॉक्टर साहब पहले से मैं बहुत ठीक हूँ, लेकिन इस बीच में वो सिर दर्द नहीं था, लास्ट 2 दिन से जरा जरा दर्द कर रहा है, इनटॉलरेबल नहीं है बट है, थोड़ा थोड़ा दर्द है। अब देख रहे हो कि मेडिसिन दिए 1.5 महीने हो गए, आपने नेटरमेव दिया था 1.5 मंथ पास्ट, क्या हाँ करेंगे, व्हाट यू विल डू? नेट्रोम्यूर का कॉम्प्लीमेंट्री कुछ देखेंगे जो उनको उसके एक्शन को आगे ले जा अभी सके। अच्छा अभी तो नेट्रामियोर इंडिकेटेड है क्लियरली, हेडेक भी वैसा ही तो आया मे था, बी जो दो हैनीमन डोज रिपीट करेंगे। का कहना है कि क्रॉनिक डिजीज ट्रीट हाँ करते हुए, ये क्रॉनिक डिजीज में लिखा है कि हमें अब ट्रीट करते हुए अगर कुछ दिन बाद वो सिम्टम्स फिर से एग्रावेट हो के आते हैं, लेकिन इन्हें माइल्ड डिग्री, जो कि होगा हर क्रॉनिक डिजीज ट्रीटमेंट में, इसको गलती से भी दोबारा दवा मत देना। ओके जस्ट वेट यहाँ एंड पे वॉच। 99% होम्योपैथ प्रिस्क्राइब कर देते हैं। हैनिमन ने इसका क्या नाम दिया है मालूम है? इसको कहा है रिन्यूड बेनिफिशियल असॉल्ट, रिन्यूड बेनिफिशियल रिन्यूड असॉल्ट। बेनिफिशियल असॉल्ट। वो कह रहे हैं कि क्रॉनिक डिजीज में आफ्टर ए पीरियड ऑफ एमरेशन देर विल बी अगेन स्लाइट एग्रेवेशन, विच मीन्स एक फेज का वर्क खत्म हो गया, अब सेकंड फेज का वर्क शुरू होने वाला है, एंड योर मेडिसिन इज डूइंग वेरी वेल। अब ये बात अगर हमको पता होगी या किसी ने अच्छे से समझाई होगी या दिखाई होगी देना, अदरवाइज तो हमको लगेगा कि अरे अच्छा तो था ही, एक और डोज दे दो, एंड वो एक और डोज मोस्टली एग्रावेट कर देता है, और वो कंडीशन फिर रिस्टोर करना वेरी डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए होम्योपैथी में किया जाता है कि फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन तो 90% होम्योपैथ का ठीक होता है, या सही हो 95 जाता है। 95% का ठीक होता है, सेकंड प्रिस्क्रिप्शन 5% का ही ठीक होता है। बिकॉज सही बात है, सही बात उनको है, सही। उनको 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 पता नहीं होता कि कहाँ रिपीट, ये आप सीखोगे गलती करते 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 एक स्टेज में आके सीखोगे, जो कि आज से 200 साल पहले आपको बताई जा चुकी है कि ऐसा होगा, और यहाँ पे दवाई नहीं देना है, सेम सिम्टम बढ़ के आएंगे बहुत ही माइल्ड डिग्री में, आप जस्ट प्लासिबो हाँ दो, कुछ दिन पेशेंट का सिम्टम चला जाएगा, अगर नहीं जाता है देन ओनली आफ्टर वेटिंग फॉर 2 वीक। अदरवाइज आप देखोगे कि ये जरूरी है पेशेंट के एमरेशन होने के लिए, तो ये भी एक क्रॉनिक डिजीज के ट्रीटमेंट में ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अंश है, जो कि आपको क्रॉनिक डिजीज में मिलेगा, हैनिमन की क्रॉनिक डिजीज में मिलेगा। एक और मैं यहाँ पे एक सिचुएशन बताता हूँ कि सपोज एक क्रॉनिक डिजीज ट्रीट कर रहे हैं पेशेंट को, सपोज एक्जिमा या ट्रीटिंग, इस एक्जिमा पेशेंट को अचानक से कोरोना कोरोना हो जा रहा है, अब क्या करोगे? तो कोरोना का मेडिसिन जो होगा वो देंगे, जो अगर पेशेंट को कुछ सपोज करे कंप्लेन्स पेशेंट हैं, पेशेंट कुछ पेशेंट पेशेंट सिम्टम्स वाज हैं। ऑन पेशेंट पेशेंट वाज ऑन सीपीआर, ओके okay. है, और पेशेंट वाज डूइंग वेरी वेल, अब यहाँ पे हाँ पेशेंट को अचानक से कोरोना हो जा रहा है या कोई एपिडेमिक डिजीज हो जा रहा है, तो इस तरह हाँ के कंडीशन में हम क्या ट्रीट करेंगे, कैसे ट्रीट करेंगे? एंटीसूरिक ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखेंगे, डिसकंटिन्यू करेंगे, कुछ और मेडिसिन देंगे, मेडिसिन इन द लाइन ऑफ सीपीआर देंगे, मेडिसिन के
किस तरह का देंगे, ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जा रहे हैं। अब हम्म, यहाँ पे हैनीमन का कहना है, हैनीमन ने इस कंडीशन को कहा है मॉर्बी इंटरकरेंटिस, मॉर्बी इंटरकरेंटिस मींस इंटरमीडिएट डिजीज। इंटरमीडिएट डिजीज मींस यहाँ पे पेशेंट को जो एंटीसोरी ट्रीटमेंट चल रहा था उसको एक अचानक से एपिडेमिक डिजीज हुआ। हैनीमन का कहना है कि यहाँ पे यूज करिए अदर क्लास ऑफ वेल प्रूव्ड रेमेडी नॉन एंटीसोरिक, और जब वो कंडीशन चला जाए तो फिर से केस करिए, दोबारा से सीपीआर रिपीट मत करिए। ठीक है, आपको फिर से केस लेके फिर उसके बाद फिर से एंटीसोरिक ट्रीटमेंट शुरू करनी है, शुरू करना है। ठीक है, तो ये एक अगेन इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है। हम बहुत समय कंफ्यूज हो जाते हैं, एक पेशेंट आया उसको उस एक ट्रीटमेंट कर रहे थे, जैसे ही एक्यूट डिजीज खत्म हुआ फिर से हम वो मेडिसिन रिपीट करते हैं। मैंने कहा उस मेडिसिन से नहीं होगा, आप दोबारा से केस लीजिए, अगर आता है तो ठीक है, अदरवाइज यू नीड ए डिफरेंट एंटीसोरिक रेमेडी। तो ऐसे ही डिफरेंट पैराग्राफ्स ऑफ क्रॉनिक डिजीज ऐसे ही बहुत कुछ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस देते हैं। सिमिलरली ऑर्गेनॉन के भी जो भी एप्रोजोम्स है ऐसे ही बहुत सारा कंडीशंस को प्रॉब्लम्स को कॉमन वर्ड यूज होता है ऑर्गेनॉन में विच इज आई एम अगेंस्ट इट, ऑक्सिलरी मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। डू यू नो क्या है, क्या है ऑक्सिलरी? जो नॉन मेडिकल मतलब देर आर एडवाइसेस ऑक्सिलरी में, जैसे कि पेशेंट को जो नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट जहां पे मेडिसिन नहीं लेके, जो जैसे मेडिसिन नहीं लेके कुछ एग्जांपल, जैसे बुखार आता है तो हम सर पे वो पानी पानी की पट्टियां रखवाते हैं जब हमको बुखार आता है, या फिर अगर कुछ मतलब अगर किसी को गैस्ट्रिक अपसेट, ये तो प्रॉपर ऑक्सिलरी मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है। ऑर्गेनॉन में एक ऑक्सिलरी ट्रीटमेंट करके बोलते हैं सो कॉल्ड कि मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, मसाज, आपकी ल्यूकवार्म बाथ, कोल्ड बाथ, मेस्मरिज्म, इनको टोटल ऑक्सिलरी बताया जाता है, बट ये गलत वर्ड है। आप जो बोले दैट इज ए ऑक्सिलरी मेथड, बट दिस आर नॉट ऑक्सिलरी मेथड्स, दिस आर अदर थेरेप्यूटिक employments which are to be used like homeopathic. ठीक है, ये auxiliaries नहीं है। आपका हर condition का एक indication है, किस condition में कब massage दोगे, किस condition, जैसे एक patient है, Hanuman का very clearly कहना है कि एक patient है, वो लगभग ठीक हो चुका है, लेकिन फिर भी उसको उसकी muscles gain नहीं हो रही है, ओके? उसको थोड़ा सा खाना हजम नहीं हो रहा है, ठीक से नींद नहीं आती है, ठीक है? इस कंडीशन में पेशेंट को और दवाई की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मसाज की जरूरत है, तो यहाँ पे यू कैन टेक हेल्प। जैसे कि आप एप्रोजोम 290 को सिक्स्थ एडिशन में देखेगा, करना है नहीं करना है वो अपने ऊपर है। आई एम पहले मुझे क्लियर तो होना चाहिए कि मैं इसको कहीं रिफर कर सकूं। हाँ, ऑफ विगरस गुड नेचर्ड पर्सन गिवन टू ए क्रॉनिक इनवैलिड, क्रॉनिक दो क्योर्ड, स्टिल सफर्स फ्रॉम लॉस ऑफ फ्लैश, लॉस ऑफ वीकनेस ऑफ डाइजेशन, लैक ऑफ स्लीप, एंड लैक ऑफ स्लीप ड्यू टू स्लो कन्वलेसेंस, द मसल ऑफ द लिम्स ब्रेस्ट बैक chest and back separately grasped and moderately pressed and needed arouse the life principles to reach the restore the tone of the muscle and blood and the lymph vessels. The mesmeric influence of this procedure is the chief feature and it must not be used to excess in the patients still hypersensitive. So indications bataya, contraindications bataya. Yes. Is writing this is associated method, no this is not associated method, this is the direct, this is a direct method which is given for a particular condition. यहाँ पे आप कोई दवाई नहीं दे रहे, यहाँ पे आप इस condition में यही कर रहे हैं,
यहाँ पे आप दवाई के साथ नहीं दे रहे मसाज, दवाई के साथ मैग्नेट्स नहीं दे रहे। किसी पेशेंट को अगर मैग्नेटिस पोली देना है तो सल्फर के साथ मैग्नेट नहीं दे रहे, मैग्नेट का इंडिकेशन है इसलिए मैग्नेट दे रहे हैं, एप्रोजोम 290 में बताया गया। ओके दिस आर हैविंग डेफिनेट इंडिकेशंस, डेफिनेट इंडिकेशंस और डेफिनेट कॉन्ट्रा इंडिकेशन। किस पर्सन को नहीं देना है? जो बहुत हाइपर सेंसिटिव है, जिसको थोड़ा सा भी छूने से दर्द हो जाता है, इस तरह के पेशेंट को नहीं देना है। आप बीजे मत दीजिए, आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास रिफर करिए, आप किसी और के पास रिफर करिए, बट आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे और दवाई की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इसी चीज की जरूरत है। नहीं है कोई पेशेंट है कि हमेशा चिली रह रहे, प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा चिली रह रहे, हाँ तो हमेशा ठंडा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पेशेंट को कोल्ड बाथ की जरूरत है, ये कोल्ड बाथ का इंडिकेशन है। पेशेंट हु इज क्रॉनिकली चिली बट अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने जो कंडीशंस था उसको मेडिसिन से क्योर किया, अब यही एक सिम्टम है, इस सिम्टम के इंडिकेशन पे आपको कोल्ड बाथ देना। तो ऐसे ही हर एप्रोजोम में, मैंने इसके साथ ये करना नहीं, आप जो बोल रहे कि बुखार की दवाई के साथ पट्टी लगाना है, दैट इज ए ऑक्सिलरी मेथड, बट दिस इज नॉट ए ऑक्सिलरी मेथड, दिस हैव देयर इंडिकेशन, दिस हैव देयर कॉन्ट्रा इंडिकेशन। मोस्ट ऑफ द टाइम दे एक्ट एज होम्योपैथिक, मैं करता हूँ नहीं करता हूँ, आप करते हो नहीं करते हो, वो दूसरा है, बट किस क्या पेशेंट को क्या ये पता होना चाहिए। तो ऐसे ही मैग्नेट्स का कब यूज है, मेस्मेरिज्म तो खैर अब होता नहीं है, इट्स टोटली मैंने कहीं कोई करता होगा तो करता है, बट एटलीस्ट नहीं करता है, बट मसाज, कोल्ड बाथ, ल्यूकवार्म बाथ, इनका डेफिनेट इंडिकेशंस दिया हुआ है, एंड कुछ कंडीशंस है जहां पे ये देने आपको पड़ेंगे मेडिसिन के अलावा। ऐसे ही बहुत सारा चीज है, सपोज करिए और एक कंडीशन ले लेते हैं, टाइम है ना? नहीं बस आप मतलब जितना आपको कंफर्टेबल हो, बिकॉज हम लोग तो पिछली बार भी 1.5 घंटा हुआ था हमारा क्लास, आलोक बॉस का क्लास, तो ऐसा कोई टाइम डिसाइडेड नहीं है, वी विल बिकॉज वी रिस्पेक्ट, मैं एक्चुअली ये क्लास इतना अच्छा जा रहा है, मुझे ये मैं ये बोलूंगा तो सब गालियां देंगे, लेकिन ये आप जब तक आपको सही लगे, बिकॉज वी रिस्पेक्ट योर टाइम ऑल्सो, कि आपको सही लगे, फिर आप भी संडे है, आपको भी दूसरा काम होगा, तो वी विल कंटिन्यू टिल द टाइम यू आर कंफर्टेबल, फिर आपको लगे तो हम बंद कर देंगे। अच्छा ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा एक पॉइंट और बता देते हैं, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे, कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे अगर कोई है तो, ठीक है। एक जैसे क्वेश्चन आ रहा है कि मैल न्यूट्रिशन बी ट्रीटेड बाय मसाज, नहीं, मैल न्यूट्रिशन शुड बी ट्रीटेड विद न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, ओके, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दे रिक्वायर न्यूट्रिशन, उसके बाद अगर कुछ है, एप्रोजोम, इसका आंसर है एप्रोजोम 77, क्योंकि आपने कुछ ऐसी चीज करी है जो आपको 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 करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, जैसे आपने खाना नहीं खाया एक हफ्ते तक, तो आप दवाई लेंगे तो भूख खत्म हो जाएगी, नहीं, आपको खाना खाना पड़ेगा। Somebody is taking alcohol, दवाई देंगे तो हो जाएगा, नहीं, उसको अल्कोहल छुड़वाना पड़ेगा, ठीक है, कुछ मेडिसिन से छूटता है, दैट इज डिफरेंट, बट अल्कोहल आपको बेसिकली छुड़वाना पड़ेगा, स्मोकिंग छुड़वाना पड़ेगा, ठीक है। आफ्टर दैट अगर कोई सिम्टम्स रहते हैं तो इट मस्ट बी ट्रीटेड विद एंटी मायास्मेटिक रेमेडी, जैसे कि 77 में लिखा है कि एप्रोप्रिएट एड शुड बी गिवन फॉर द क्रॉनिक मायासम लर्किंग बिहाइंड, अदरवाइज डाइट एंड रेजिमेन इज सफिशिएंट इन एप्रोप्रिएटली नेम्ड क्रॉनिक डिजीज, एप्रोजोम 77 में। ओके ओके अच्छा एक लास्ट लेते हैं कि सपोज एक मेंटल पेशेंट आया हमारे पास, ठीक है, इस मेंटल पेशेंट को साइकोथेरेपी देना है कि नहीं देना, ये प्रॉब्लम। तो ये बहुत प्रॉब्लम है कि हम मेडिसिन तो दे रहे हैं, पेशेंट को साइकोथेरेपी देना है कि नहीं देना। नाउ हैनीमैन का अगर क्लासिफिकेशन को आप मेंटल डिजीज को देखेंगे तो इसका आंसर वो 224 में दे रहे हैं, एप्रोजोम 224 में, एप्रोजोम 224 में दे रहे हैं कि जब आप डाउटफुल हो, आपको पता नहीं है कि ये कॉर्पोरियल टू मेंटल गया है
मीन्स सोमैटोसाइकिक है हाँ और साइकोसोमैटिक है। हाँ सोमैटोसाइकिक में कभी भी आपको काउंसलिंग नहीं करानी है, जहां ओके पेशेंट को एक सपोज फिजिकल प्रॉब्लम था, वो फिजिकल प्रॉब्लम कम हुआ एंड देन मेंटल एनसेफेलोपैथी या उस तरह के कंडीशंस डेवलप हुए, ऐसे कंडीशंस में आपको कभी भी साइकोथेरेपी नहीं देना है, क्योंकि इससे पेशेंट की कंडीशन एग्रेवेट होगी। उसी में देखिएगा बीच में लिखा है कि वेयर बाई ये रियल मोरल मेलेडी विल बी एग्रेवेटेड। अगर ये सोमैटो मैंने साइकोसोमैटिक है, मींस 225 वेयर इमोशनल कॉज की वजह से हुआ है, हाँ इसकी वजह से हुआ है, तो आपको साइकोथेरेपी देनी है, विच इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉलोड बाई एंटीपिसोरिक ट्रीटमेंट। तो ऑर्गोनोन वेरी क्लियरली 224, 225, 226 क्लियरली डिफरेंशिएट कर रहा है कि किस कंडीशंस में किस मेंटल पेशेंट्स को वी हैव टू रिफर फॉर साइकोथेरेपी या काउंसलिंग, किस पेशेंट को साइकोथेरेपी काउंसलिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, कौन समझेगा कौन नहीं समझेगा, कौन एग्रावेट होगा, नहीं समझ में आ रहा है तो यू सेंड फॉर साइकोथेरेपी, अगर एग्रावेट किया तो इट वॉज सोमैटोसाइकिक कॉर्पोरियल टू मेंटल, अगर बेटर है साइकोथेरेपी से देन इट इज साइकोसोमैटिक। ये हैनिमेंस के ऑब्जर्वेशन है कि किस पेशेंट को कैसे रिफर करना है नहीं करना। सो एक एक एप्रोजोम्स आप देखते जाओगे तो ऐसे हाँ ही क्लियरली आपको कुछ ना कुछ कंडीशंस मिलते जाएंगे। मिलते जाए ट्रू। थैंक यू सो मच बॉस। आज का सेशन मतलब एक्चुअली 100 से ज्यादा लोग कॉन्स्टेंटली आपको सुन रहे थे, तो ऐसा बोल सकते हैं कि ये 100 के 100 आपको अगर दंडवत करेंगे तो शत शत दंडवत हो जाएगा आज। ये इतना इतना इम्पोर्टेंट क्लास रहा कि सबके लिए बहुत एक अलग। व्हाट आई एम टेलिंग इज नथिंग न्यू, दिस इज ऑलरेडी बीन रिटन इन बाय हैनिमन, एंड व्हाट वी नीड टू थिंक इन ए वे कि ऑर्गनोन इज नॉट ए चैलेंज, इट इज आंसर टू आवर चैलेंजेस इन प्रैक्टिस। ऑर्गनोन इज व्हाट, इट इज आंसर टू आवर चैलेंजेस इन प्रैक्टिस। बट आप किसी से भी सर बुक पूछने से वही अच्छा है, है। सबसे हाँ किसी से बुक भी वही पूछने है से सर। अच्छा। हाँ, बुक वही है लेकिन उसको पढ़ना मतलब उसके जो उसको पढ़ने के लिए जो चश्मे चाहिए वो आपने शायद आज दिए हैं कि एग्जैक्टली कैसे पढ़ना है। एक क्वेश्चन सिर्फ लास्ट ये आ रहा है कि इन सर्जिकल केसेस हाउ वी डिसाइड रिपीटेशन ऑफ द रेमेडी, कैसे किसी कब तक भी रुकना है, कि कब तक हम व्हाट वुड बी मतलब कैसे हम ये करेंगे डिसाइड कि सर में रुकना है कि फिर वो सर्जिकल केस था तो उसको मतलब ट्रीटमेंट सपोज छोड़ करिए देना है। सपोज करिए कि गोल्ड ब्लैडर स्टोन है कॉमनली ऐसे, हाँ या किडनी स्टोन है हाँ कॉमनली, ऐसे ही केसेस आते हैं। हाँ कभी भी इन्वेस्टिगेशन से पीछे मत भागिए, इन्वेस्टिगेट जो भी जिस भी लेवल तक जाना हो आप इन्वेस्टिगेट करिए उसको, सो दैट कि एक्सरे यूएसजी जो भी है उसको करना है। सेकंड, आपके देने के बाद सिम्टोमेटिकली पेशेंट्स अगर बेटर है तो यू कैन कंटिन्यू द ट्रीटमेंट, और बीच बीच में उस सिम्टोमेटिक एमलरेशन को आप यूएसजी या एक्सरे से वेरीफाइड करते रहिए कि साइज ऑफ द स्टोन कम हो रहा है या कोई चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं ऐसे। बट अगर वो पेन परसिस्ट कर रहा है, इरिटेबिलिटी परसिस्ट कर रही है, दैट मीन्स कि आपके प्रिस्क्रिप्शन से नहीं हो रहा, एंड ऐसे इधर आप केस अपने हाँ सीनियर को रिफर करिए, या जिसको भी आप अच्छे समझते हैं उनको रिफर करिए, या इफ यू फील कि कॉन्फिडेंट इनफ कि नहीं अब नहीं हो रहा है, मैंने ट्राई कर लिया है और बेसिक सिम्टम्स भी पेशेंट के कम नहीं हो रहे हैं, तो बेटर है कि इन पेशेंट्स को सर्जरी के लिए रिफर कर देना। और बॉस बट उसमें जो ऐसे सर्जिकल केसेस हैं उसमें रिपीटेशन मतलब इफ यू गो बाय द रूल तो उसमें तो रिपीटेशन अलाउड रहेगा ना। रिपीटेशन किसी भी कंडीशन में अलाउ रहेगा, बस आप दो चीज का ख्याल रखिएगा, स्लो प्रोग्रेसिव है हाँ या स्ट्राइकिंगली इंक्रीजिंग एमुलेशन है, ये दो चीज को ख्याल रखिएगा कि यस दवा यस देने के बाद डॉक्टर साहब जब से दवा खाया दर्द नहीं हुआ है, वेट करिए वेट करिए, डॉक्टर साहब थोड़ा सा कम है ओके लेकिन अभी भी होता रह रहा है, होता रह रहा है, रिपीट करिए
सुटेबल इंटरवल पे, फिर चेक करिए क्या मेडिसिन दे रहे हैं। इफ इट इज लाइकोपोडियम रिपीटेशन बहुत फ्रीक्वेंट नहीं होगा, 2-3 दिन 4 दिन में एक बार होगा, या अगर एलएम में दे रहे हो तो एवरी डे या एवरी अल्टरनेट डे होगा। अगर अगर सपोज करिए कि कोई एक्यूट मेडिसिन इंडिकेटेड है एकोनाइडिया पेलाटोना, तो आप दिन में भी 3 बार रिपीट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डिपेंड आप वो कंडीशंस को दिमाग में रख के ही आपको आगे चलना होगा। ठीक है, ऐसे तो बहुत कुछ है, हार्मोन के हर एप्रोजोम से ही कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज है, बट एक दिन के सेशन में नहीं होगा। नहीं नहीं And... वो तो बस मैं आज मुझे वो बात याद आ रही है कि एक तो मैं सब जो लोग देख रहे हैं, मैं ये आप लोग ने आज सेशन अटेंड किया तो आपको पता चल गया कि बॉस के जो सीनियर्स हैं, बॉस जिनसे मैं भी सीखे हैं या बॉस के जो जो बॉस के सीनियर्स जिनको होते हैं, बॉस के सारे सीनियर्स ने ही बॉस का नाम एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ऑर्गेनॉन रखा है। तो ये जो टाइटल आपको दिया है वो कितना जस्टिफाइड है, दैट इज व्हाट आई वांट टू से। कि एक ये कि और हम लोग बार बार रंजन दा के साथ, और जब भी हमारी बात हुई है तो आप बोलते हैं कि अरे आ जाओ मैं तुम लोग को सिखा दूंगा, तो मुझे वो चीज अभी रिकलेक्ट हो रही है कि अब मैं रंजन दा को अभी आई एम श्योर रंजन दा अभी लाइव में सुन ही रहे हैं, अभी अभी आप शॉक मत होइएगा अगर मैं अगले 2-3 महीने में आपके पास आ जाऊंगा तो, क्योंकि अब लग रहा है कि मैं भी बहुत 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 रिवाइज। आई नो आप मोर देन वेलकम रहे हमारे, और आप इतने बिजी, इतने सीनियर प्रैक्टिशनर, इतने सीनियर टीचर होने के बाद भी आप कभी भी ये नहीं बोलते हैं कि मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं आऊंगा, आपने कभी मना नहीं किया। आवाज कट रही है, हेलो हेलो हेलो, थैंक यू सो मच सर। आवाज हाँ, नहीं बॉस वो थोड़ा सा बीच में डिस्टर्बेंस आ गया था, कॉल आ रहा था। अच्छा अच्छा, बट हम लोग आपको बहुत थैंक यू बोल रहे हैं हमारी सब की तरफ से, एंड अगर ऐसा और मौका मिलेगा तो मैं आपको एम्बेरस नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कभी ऐसा मौका होता तो प्लीज वापस आइएगा सर, हम सबको सिखाने के लिए। मेरा बस इतना ही कहना है कि एट द एंड ऑफ दिस सेशन एटलीस्ट मैं आपको थोड़ा सा इंस्पायर कर पाया कि दोबारा से एक बार ऑर्गेनॉन कोशिश करते हैं पढ़ने की, और हर एप्रोजोम के पास कुछ लिख के रखिए, हो सके तो अपनी मदर टंग में ही लिख के रखिए कि इसमें से क्या सीख मिल रही है मुझे, एटलीस्ट एक लाइन में लिख के रखिए कि ये पढ़ने के बाद अच्छा क्या बताया है, क्या करना है या क्या नहीं करना है, क्या प्रॉब्लम है और क्या सोल्यूशन है। इस तरह से अगर हम सोचे, और मायोसोम हम जिस तरह भी मानते हो वो दूसरी बात है, बट मायोसोम बेसिकली ही हैनीमैन ने एक डॉक्ट्राइन दिया था, इस डॉक्ट्राइन को हैनीमैन ने क्या बोला है पहले वो तो समझ लें, उसके बाद हम किसी का भी माने, रॉबर्ट्स का माने, एलन का माने, डॉक्टर शंकरन का माने या किसी का भी माने, वो अपने ऊपर है। मैं किसी को भी छोटा बड़ा सबका अपना कंट्रीब्यूशन है, बट पहले क्या बताया वो चीज को अगर मैं नटशेल में रखूं तो मैं खुद समझ पाऊंगा कि मैं कितना डिविएट हो रहा हूं या मैं कितना कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूं, ये दो चीज है। तो मैं यही अर्ज करूंगा कि एटलीस्ट जो है क्रॉनिक डिजीज को जरूर एक बार पढ़ेगा। एक लास्ट छोटा सा और एक बात बता देता हूँ, जैसे इफ यू स्टडी साइकोसिस फ्रॉम हैनीमैन क्रॉनिक डिजीज, हैनीमैन ने बताया कि दो तरह की गोनोरिया होती है, एक एक गोनोरिया होती है जिसमें खाली यूरेथ्रल डिस्चार्ज होता है, और एक गोनोरिया होती है जिसमें फिगवॉर्ट्स होता है। तो जिसमें फिगवॉर्ट्स वाली गनोरिया यही साइकोसिस है, जो ऐसे ही सिंपल गनोरिया है जिसमें खाली देयर इज यूरेथ्रल इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरेथ्रल यूरेथ्रा होता है और वहां पे कोई फिगवॉर्ट्स नहीं है, ये साइकोसिस नहीं प्रोड्यूस करती है। और दोनों की ट्रीटमेंट अलग है। जो गनोरिया प्लेन है लोकली यूरेथ्रा को अफेक्ट करती है, इनके ट्रीटमेंट के लिए हैनीमैन ने रिकमेंड किया है पार्सले, दैट इज पेट्रोसेलिनम, कोपाइवा, कैंथेरिस और कैनबिस सैटिवा। वेरस जो गोनोरिया साइकोसिस करती है इनका ट्रीटमेंट हैनीमैन ने रिकमेंड किया है आइदर थूजा इंटरनली और थूजा अल्टरनेटेड विथ नाइट्रिक एसिड। अल्टरनेटेड मतलब सब समय सिम्टम बेसिस पे, जैसे 171 में लिखा था। और अगर बहुत दिन रह गया है तो थूजा इंटरनली देने के बाद कभी कभार
इनवर्टरेट है, जा नहीं रहे कुछ से भी, तो थोड़ा सा एक्सटर्नली अप्लाई कर सकते हैं थूजा, बट बेटर है कि वैसा केसेस ज्यादा अच्छा है, क्योंकि डिस्ट्रक्शन से जो नुकसान है वो ज्यादा है रादर देन बेनिफिट, तो कोशिश करना है कि इंटरनली ट्रीट करना है। तो ऐसे ही मैंने एक पूरा डिजीज के बारे में आप ऐसे ही ये क्लियर कट आइडिया लेके ऐसे ही क्रॉनिक डिजीज में दिया हुआ है ऐसे हम पढ़ सकते हैं। तो ऐसे छोटी छोटी इंफॉर्मेशन अगर आप पढ़ के क्रॉनिक डिजीज से निकालेंगे और प्रैक्टिस में अप्लाई करेंगे तो दैट विल बी मैंने रियल आपका जो होम्योपैथी का जो प्रैक्टिस और उसकी समझ धीरे धीरे आगे ग्रो करेगी। ट्रू, ओके ठीक यस, है, थैंक यू सो मच बॉस, आपको वापस हाँ एक बार थैंक यू, एंड थैंक हम लोग आपको जरूर एक बार वापस देखना जरूर चाहेंगे, तो कभी मैं आपको जरूर, टच में रहूंगा। थैंक यू थैंक यू अभिषेक टू बॉस, यू एंड थैंक यू ऑल्सो आप टू आपका रंजन। संडे अब थोड़ा सा रिलैक्स। यस यस नहीं, आज ऐसे ही छुट्टी रखा था आपके लिए। यस यस, थैंक यू सो मच। ठीक है, अरे ओके थैंक यू बॉस, बाय बाय ओके, बॉस, वेलकम टेक केयर, टेक वेलकम, केयर। बाय 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 बाय।